स कैसे हैं आप सभी वेलकम टू एस एस सी ट्यूब बाय ऑलिव बोर्ड सॉरी आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू था इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया है सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस और आज जो हम करने वाले हैं आज के जो सेशन में हम करने वाले हैं दैट इज़ मैराथन क्लास और इसके अंदर हम मिक्सड जी एस क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो आर यू गाइज़ रेडी फ़टाफट एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आर यू गाइज़ रेडी सेशन करे स्टार्ट बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है आई डोंट वॉन्ट टू डिले इट फर्दर तो जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको सेशन को ताकि टाइम से हम सारे क्वेश्चन कवर कर ले क्योंकि अराउंड सेवेंटी एट एट्टी के अराउंड क्वेश्चन हैं हमारे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो देखते हैं जब तक हो जाएंगे डेढ़ घंटे में होते हैं डेढ़ घंटे दो घंटे में होते हैं तो दो घंटे एंड देन उसके बाद में इसको रैप कर देंगे ओके okay, रेडी एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और एक बार ये सेशन ये वीडियो शेयर कर दो जिस भी टेलीग्राम ग्रुप पे तुम लोग हो अब यह मत बोलना मैम अपने पे ही कर देंगे ठीक <laughs> है तो एक बार फटाफट से इसको शेयर कर दो लाइक कर दो ये चीज़ें तुम पहले ही कर दिया करो मेरे बोलने की ज़रूरत ना पड़े ठीक है मैं एक बार फिर भी टेलीग्राम ग्रुप पे बता देती हूँ स्टूडेंट्स को दैट क्लास इज लाइव नाउ जिन्हें नहीं पता है ओके okay, स्टार्ट करते हैं ओके ठीक है तो आज हम करने वाले हैं इसमें अरे मैं सिलेक्ट कुछ कर रही हूँ आज मेरा दिन कुछ ऐसा ही चल रहा है आज मैं थोड़ी सी अपसेट भी हूँ ठीक है तो क्लास करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये रहा दस अवतार रिलेटेड टू डैश स्टेट यानी कि ये दस अवतार नाम का ये डांस है ठीक है मैंने यहाँ पे डांस नहीं लिखा वो मैं लिख देती हूँ ये जो फोक डांस है दस अवतार नाम का ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है देखो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका रिविज़न हो जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन इसमें आपको न्यू मिलेंगे काफ़ी क्वेश्चन रिविजन पर्पज से मैंने डाले हैं तो आंसर यहाँ पे आ रहा है डी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल करेक्ट अच्छा अब मैं इसके साथ दस अवतार पे रुकूंगी नहीं बिकॉज मुझे चाहिए ये दिल मांगे मोर तो ये दिल मांगे मोर की महाराष्ट्र में और कौन कौन से फोक डांसेस मैंने आपको कराए या फटाफट बताओ एक हो गया दस अवतार ठीक है एक हो गया दस अवतार दूसरा कौन सा था आपको बताया था कि ये दस अवतार भी ले लें लेकिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है जो तमाशा होता है वो तमाशा करना कभी बंद नहीं होगा तो तमाशा फोक डांस भी कहाँ होता है महाराष्ट्र में तीसरा बोला था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब महान है तो ये कथा और कीर्तन दोनों साथ में कराते हैं कथा कीर्तन दोनों साथ में कराते हैं तो करा कथा कीर्तन डांस भी यहीं का है उसके बाद में ये लोग इतने लेज़ी हैं इतने लेजी हैं कि कथा कीर्तन करा के बिना खाना पानी खिलाए यानी कि लावनी बिना खाना पानी खिलाए बोलते हैं दफ़ा हो जाओ यानी कि गफा तो अब आपके कितने फोक डांसेस हो गए महाराष्ट्र से एक दस अवतार दूसरा तमाशा तीसरा कथा कीर्तन चौथा हो गया लेजिम पांचवा हो गया लावणी और छठा हो गया गफा ठीक है तो याद रहेगा नेक्स्ट देखते हैं विद होम इज वर्गीस कुरियन एसोसिएटेड ये वर्गीस कुरियन ये जो नाम है ये कौन सी चीज के साथ में एसोसिएटेड है इंडिगो रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन येलो रेवोल्यूशन या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा जल्दी से आंसर करो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा आंसर आ रहा है सम आर सेइंग ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सम आर सेइंग इंग वाइट ओके ओके ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर एक बार तुम आंसर कर लो फिर मैं बताती हूँ एक बार आंसर कर लो फिर मैं बताती हूँ आज क्लास स्टार्ट होने में इतना ज्यादा टाइम लग गया है कि ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा ऐसे ही निकल गया करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही जितने भी लोग बोल रहे हैं वाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति वो होंगे करेक्ट क्योंकि वर्गीस कुरियन कौन थे वर्गीस कुरियन वो थे जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड लेके आए थे ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध की नदियाँ बहा देंगे ठीक है उसी के अंतर्गत कब आया थे 1970 में आया था 1970 से 71 में आया था ऑपरेशन फ्लड वर्गिस कुरियन इसके फादर थे इसके जनक थे वो लेके आए थे वो व्हाइट रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है जल्दी से बताओ व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत सफ़ेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति किससे संबंधित है किस चीज़ के लिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल सही अमूल अमूल जो आपका अभी देखते हो ना आप अमूल प्रोडक्ट्स वो यही लेके आए थे अमूल नाम का इन्होंने कोपरेटिव खोला था ऑल इंडिया मिल्क यूनियन वाला इन्होंने कॉपरेटिव खोला था बिल्कुल सही मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्चुअल में मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए क्या लाया गया था अरे यार डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए लाया गया था वाइट रेवोल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं बाकी ऑप्शन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए आया बहुत लोग बोल रहे थे वर्गीस कुरियन ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है जल्दी से बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए लाया गया था हरित क्रांति किस चीज़ के लिए लाया गया था फटाफट आ, आंसर करो देखो हरित क्रांति बोलते हैं तो किसके लिए आया था आपको भी पता है कि ये एग्रीकल्चर फील्ड में आया था और स्पेशली ये किसके लिए था वीट के लिए था वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब ज़्यादा पैदावार करने वाली ऐसी वेराइटियाँ वीट की गेहूं की ऐसी अलग अलग वैरायटी के लिए ये लाया गया था अच्छा अगर बोलूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड में वर्ल्ड में जो हरित क्रांति लाए वर्ल्ड में हरित क्रांति लाए तो उनके जनक किसे कहा जाता है वर्ल्ड में फिर पूछूँगी मैं तुमसे इंडिया के तो अभी बता दो वर्ल्ड के कौन से कहे जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के कौन कहे जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे तन में बिल्कुल सही देवाशीष बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा नॉर्मेन बोर्डो नॉर्मेन बॉर्डो और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है इंडिया में तो वट विल बी योर आंसर वट विल बी योर आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा हेलो निखिल कैसे हैं आप बहुत अच्छे बिल्कुल सही तन्मय गौतम बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन अगर मैं आपसे पूछूं जो ऑप्शन में ये येलो रेवोल्यूशन दिया हुआ है चलो ये बता दिया आपने एग्रीकल्चर में वो भी स्पेशली वीट के लिए येलो रेवोल्यूशन किसके लिए है ये जो पीली क्रांति है वो किसके लिए चलाई गई पीली क्रांति फटाफट आंसर करो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है बहुत अच्छे देवाशीष बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑयल सीड्स आपका सनफ्लावर ऑयल मस्टर्ड ऑयल मतलब तिलहन के लिए तिलहन के लिए जो चलाई गई उसको बोलते हैं पीली क्रांति नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ इटली इनमें से कौन सी रिवर इटली की गंगा कही जाती है ठीक है आपके ऑप्शन है वोल्गा धनुबे राइन या फिर पो रिवर ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर देवाशीष का आंसर आया बोलगा। हर्षिल ने आंसर किया डी ऋतिक ने आंसर किया ए अमन ने आंसर किया है बोलगा निखिल ने आंसर किया है ए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं डी पो नदी को इटली की गंगा एक पवित्र नदी माना जाता है किसको पो नदी को ठीक है नाम ही इतना है पो नदी है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दुग्ध सागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया दुग्ध सागर फॉल है ये कौन सी इंडिया की स्टेट में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है कर्नाटका मध्य प्रदेश केरला या फिर गोवा क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ फटाफट आंसर करो क्या होगा करेक्ट आंसर दूध सागर फॉल्स कहां पर स्थित है ये फॉल्स कहाँ पर स्थित है बहुत अच्छे देवाशीष ने आंसर किया है फिर हर्षिल ने आंसर किया है अमन ने आंसर करेक्ट किया है देन विवेक ने आंसर बोला है वन जो लोग बोल रहे हैं वन उनका गलत होगा क्योंकि करेक्ट आंसर है गोवा दूध सागर फॉल्स कहाँ पर है गोवा में नेक्स्ट देखते हैं त्रिपित आर सेक्रेड बुक्स ऑफ ये त्रिपित किसकी पवित्र पुस्तकें मानी जाती है कौन से रिलीजन की पवित्र पुस्तकें मानी जाती है हिंदू जैन या फिर नन ऑफ द अबाव बौद्ध हिंदू या जैन धर्म इनमें से कौन से धर्म की ये पवित्र पुस्तक मानी जाती हैं त्रिपित आंसर आया है भाविनी सिंह ए हर्षिलित सिंह ए तन्मय सिंह बुद्धिस्ट ए जे बुद्धिस्ट विवेक ने बोला है बुद्धिस्ट सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर हेलो भबिन कैसे हैं आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है सभी ने आंसर किया है ए यानी कि बुद्धिस्ट इन्हीं की सेक्रेट पवित्र पुस्तकें मानी जाती है अगर मैं आपसे पूछूं जैन की जैन धर्म की पवित्र पुस्तक में से कोई एक पुस्तक आप बता दो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक में से कोई एक पुस्तक का नाम बता सकते हैं आप अगर किसी को पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो जैन धर्म की पवित्र बुक बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम करेक्ट बिल्कुल सही हर्षिल ठीक है, ये इनकी क्या है पवित्र पुस्तक है जैन धर्म की और बुद्धिस्ट की त्रिपितिकास, नेक्स्ट देखते हैं आजादी रचता इंडिका इज बोटानिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसका बोटैनिकल uh, नेम वनस्पतिक नाम क्या है आज़ादी रिश्ता का वनस्पति का नाम क्या है ठीक है ये तो है साइंटिफिक नेम आपको साइंटिफिक नेम दिया हुआ है आपको कॉमन नेम यानी कि बोटैनिकल नेम बताना है रोज प्लांट एप्पल ट्री नीम या फिर मैंगो आंसर आ रहा है बहुत अच्छे कुछ लोग बोल रहे हैं निखिल इज सिंग मैंगो हर्षिल इज सिंह सी इज सिंह नीम अमन इज इस नीम देवाशीष तन्मय नीम बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सत्या कैसे हैं आप करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा नीम अगर आपको नीम खाने को के लिए कोई बोल रहा है कि नीम खाना पड़ेगा तो आप बोलते हैं मुझे ऐसे इंसान से आज़ादी दे दो जो मुझे नीम खाने के लिए फोर्स कर रहा है ठीक है अच्छा इसी के साथ ये बता दो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है फटाफट आंसर करो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है फटाफट आंसर करो जल्दी से आंसर करो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा ये होगा मैग्नीफेरा ये होगा मैग्नीफेरा इंडिका ये क्या होगा मैग्नीफेरा इंडिका रोज प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होगा गुलाब का जो फूल है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है उसको क्या बोलते हैं थैंक यू सत्या अभी आप आंसर करो फटाफट कि रोज़ प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होगा रोज़ प्लांट को और किस नाम से जानते हैं जल्दी से आंसर करो ठीक है अगर रोज़ प्लांट अगर पूछा जाता है किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं किया है करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे ऋतिक रोज़ा रोज़ा लिखा हो तो वहीं करेक्ट हो जाएगा रोज़ का होता है रोज़ा एप्पल का क्या होता है एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है जल्दी से बताओ ये मैंने करा भी रखा है तुम्हें एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है बहुत अच्छे तन में एकदम करेक्ट बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा मैलस क्या होगा करेक्ट आंसर मैलस होगा बिल्कुल सही मैलस होगा नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी ऐसा यंत्र जो प्रकाश की तीव्रता मापने का काम करता है ऑप्शन है आपके लूसी क्रायोमीटर साइनोमीटर या फिर बैरोमीटर जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही भाविन मैलस डोमेस्टिका एकदम करेक्ट है एप्पल का होता है मैलस डोमेस्टिका जल्दी से आंसर करो हर्षिल का आंसर आया ए सत्य का आंसर है ए भाविन का आंसर है ए निखिल का आंसर है ए हर्षित का आंसर है ए बिल्कुल सही ल्यूसी मीटर इसको और क्या बोलते हैं इसको फोटोमीटर भी बोलते हैं अगर फोटोमीटर भी आ जाए तो वो भी यही होता है वो भी लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है अच्छा क्रायोमीटर क्रायोमीटर क्या होता है ये क्या नापता है क्रायोमीटर किसके लिए यूज होता है क्रायोमीटर आपको बताना है किसके लिए यूज होता है क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है जल्दी से बताओ जितने भी लोग हैं सेशन को लाइक कर दो ठीक है और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल एंड प्रेस द आइकन। जल्दी से आंसर करो फटाफट क्रायोमीटर बैरोमीटर एटमोस्फिर प्रेशर ओके बिल्कुल सही बैरोमीटर किसके लिए होता है एटमोस्फिर प्रेशर के लिए होता है यानी कि एटमोसफेयर में वातावरण का जो दबाव है उसको नापने के लिए यूज़ किया जाता है बैरोमीटर साइनोमीटर होता है ये नापने के लिए कि ब्लूनेस ऑफ स्काई यानी कि आपका जो आसमान है वो कितना नीला है उसको नापने के लिए साइनोमीटर यूज़ होता है क्योंकि ये जो साइन है ना ये ग्रीनिश ब्लू कलर का जो सेगमेंट होती है जो पिगमेंट होती है ग्रीनिश ब्लू कलर की उसको बोलते हैं उसका नाम होता है साइन कलर ठीक है तो साइनोमीटर इज़ समथिंग विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ स्काई क्रायोमीटर लो टेम्परेचर लो एटमोसफेयर लो टेम्परेचर या लो प्रेशर को नापता है किसको नापता है लो टेम्परेचर को मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी तो रोने लग जाओगे बहुत ज़्यादा ठंड होगी कांपने लग जाओगे रोने लग जाओगे तो क्रायोमीटर से उसको याद रख लेना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बुक अनटचेबल यानी कि अछूत नाम की पुस्तक किसने लिखी है प्रेमचंद सरोजनी नायडू राज या फिर नटवर से क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर बहुत अच्छे एजे एकदम सही गुड मॉर्निंग विनोद राम राम देवाशीष बोल रहे हैं मुल्क राज आनंद भाविन बोल रहे हैं डी तन्मय बोल रहे हैं डी हर्षिल बोल रहे हैं सी तो ज़्यादातर लोगों का आंसर मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है डी जो कि करेक्ट है मुल्क राज आनंद करेक्ट आंसर होगा अच्छा तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हें प्रेमचंद से बुक कराई थी सरोजनी नायडू से कौन सी बुक कराई थी मैंने तुम्हें एक बुक कराई थी सरोजनी नायडू से ठीक है तुम्हें बोला था भारत कौन सी चिड़िया कहलाता था उस टाइप की बुक थी इनकी आंसर करो हाँ जी हर्षिल सही कहा प्रेमचंद की कौन सी थी गोदन और गबन प्रेम ने चांद का गबन किया और उसको गोदान में जाके छुपा दिया ठीक है उसके बाद में बाहर जाके उसको मानसरोवर के पास ले गया मानसरोवर नदी के पास ले गया जहां पर उसको कौन दिखी रंग में रंगी हुई रंग भूमि दिखी ठीक है तो रंग भूमि बुक मानसरोवर बुक गबन बुक गोदन बुक ये सब किसकी हैं प्रेमचंद की है मुंशी प्रेमचंद की है सरोजनी नायडू की कौन सी बुक है द गोल्डन थ्रैश होल्ड नाम की बुक किसकी है द गोल्डन थ्रेश होल्ड नाम की बुक किसकी है सरोजनी नायडू की है और मुल्क राज आनंद की अभी हमने करी कौन सी है अनटचेबल अछूत ठीक है नेक्स्ट देखते हैं मार्टिन क्रो वॉज़ क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री मार्टिन क्रो नाम के जो क्रिकेटर थे जिनका देहांत हुआ आई थिंक 2016 के अराउंड तो वो कौन से उसके कौन सी कंट्री के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही सरोजनी नाइडी को नाइटिंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वो पॉइट रह चुकी हैं सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी हैं ठीक है पहली विमेन गवर्नर रह चुकी हैं बहुत अच्छे सारे के सारे गलत सारे के सारे गलत करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका न्यूजीलैंड इंग्लैंड नहीं है मार्टिन क्रो कहाँ के हैं न्यूजीलैंड के हैं मार्टिन क्रो जो क्रिकेटर हैं वो हैं न्यूजीलैंड के लगता है तुम लोगों का स्पोर्ट्स नॉलेज कम चल रहा है नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एन आर आई डे जिसको हिंदी में प्रवासी दिवस भी बोलते हैं प्रवासी दिवस भी बोलते हैं प्रवासी दिवस भी बोलते हैं, भी बोलते हैं। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर जनवरी नाइन सेवनटीन नाइनटीन या फिर सेवन जल्दी आंसर करो करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है विनोद मैंने देखा नहीं आपने क्या लिखा था ध्यान नहीं है काफी सारे आए थे एक साथ करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही इस बार सभी का करेक्ट आंसर है क्योंकि वो कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस यानी कि एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे मनाया जाता है आपका जनवरी नाइन को नौ जनवरी को मनाया जाता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है लंडन पेरिस बॉन या फिर लियोन करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन गलत आंसर करोगे तो इंटरपोल तुम्हारे पीछे लग जाएगा तो सही आंसर करो बिल्कुल सही कल्याण सिंह ने करेक्ट आंसर किया है तन्मय ने करेक्ट आंसर किया है देन विनोदर्णव विनोद मेहरा विनोद राठौड़ काफी सारे विनोद है क्लास में क्या बात है करेक्ट <laughs> आंसर क्या होगा देखो जो बोल रहे हैं लंदन गलत होगा क्योंकि करेक्ट आंसर होगा लियोन लियोन कहाँ पर है लियोन है फ्रांस के अंदर लियोन कहाँ पर है फ्रांस के अंदर अच्छा पेरिस में मैंने तुम्हें कराया था पेरिस के याद है तुम में से किसी को पेरिस के मैंने तुम्हें कराए थे पेरिस में हेडक्वाटर कराए थे तुमको याद है कि नहीं पेरिस में किसका था हेडकॉर्टर किसका था पेरिस में बहुत अच्छे देवाशीष बिल्कुल सही यूनेस्को का किसका था पेरिस में हेडक्वार्टर यूनेस्को का था बहुत अच्छे अच्छा लंदन में कराया था मैंने लंदन में किसका था हेडक्वार्टर लंदन में किसका था हेडक्वार्टर जल्दी से बताओ जल्दी से आंसर करो लंदन में किसका था बहुत अच्छे नयन आपने तो और भी अच्छा आंसर किया ओ ई सी डी इसका भी कहाँ था पेरिस में ओ सी डी की फुल फॉर्म क्या थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लंदन में याद है एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत अच्छे कमाल कर दिया देवाशीष, नयन एजे आकाश बहुत अच्छे एम इंटरनेशनल इसका मैंने कराया था वैसे तो बहुत सारे आपको हेडक्वार्टर मैंने कराए थे ठीक है उसमें ये इंटरपोल रह गया था तो आज ये इंक्लूड कर दिया गया ऐसे ही चलेगा जो रह जाएगा वो आगे की क्लासेस में इंक्लूड हो जाएगा तो तुम्हारा फुल कवर कराना है मुझे मतलब अगर दो तीन महीने तुम मेरे साथ आराम से क्लास ले रहे हो तो बहुत सारा कवर हो जाएगा बार बार रिवाइज भी होता रहेगा प्रैक्टिस भी कराती रहूंगी ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिर्फ नया नया सर में डाल रहे हैं मतलब आराम से हो जाएगा ठीक है मुझ पर विश्वास रखो भरोसा रखो सारा हो जाएगा टेंशन मत लो सजीबू चेरियोबा और जो नहीं आ रहे हैं फिर वो तो कहने लायक ही नहीं है जो आ रहे हैं जितने बच्चे मेरी क्लास में आ रहे हैं उनकी मैं गारंटी लेती हूँ उनका मैं ये लेती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है जितना मैं कराऊंगी वो सब याद भी हो जाएगा और रिटेन भी कर पाओगे क्योंकि मैं इस हिसाब से कराती रहूँगी कि प्रैक्टिस भी होती रहेगी नए भी आती रहेंगे लेकिन पुराने भी रिवाइज़ होते रहेंगे ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा मैंने इससे भी बताया था आपको सजीबू सजीबू जिसको मियची चेरियोबा भी कहते हैं ये भी अगर लिखा है तो ये भी इसी जगह का होगा चेरियोबा मेटी चेरियोबा और सजीबू ये कहाँ के फेस्टिवल हैं ये मणिपुर का फेस्टिवल है ठीक है चाहे सजीबू बोलो चाहे मेटी चेरियोबा बोलो ये मनाए जाते हैं मणिपुर में और कैसे है ल्यूनार न्यू फेस्टिवल है अच्छा ये भी साथ याद रखते रहना कई बार क्या आ जाता है कई बार आपको ऐसे बोल देगा सजीबू चेरियोबा जो मणिपुर का फेस्टिवल है वो किस तरीके का फेस्टिवल है न्यू ईयर फेस्टिवल है या फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल है इस टाइप से डाल देगा ठीक है या कल्चरल फेस्टिवल है तो उसमें आंसर करेक्ट होगा न्यू ईयर लेकिन तुम फंस जाओगे मैम ने ये तो बताया था सजीवू मणिपुर का है लेकिन ये नहीं पता ये न्यू ईयर फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है या फिर कल्चरल फेस्टिवल है ये वहाँ फँसोगे तुम तो इसलिए याद रखना ये कैसा होता है न्यू ईयर उनके लिए नव वर्ष का टाइम होता है जब वो ये सजीबू चेरियोबा फेस्टिवल मनाते हैं नेक्स्ट है मुगल एम्पायर वॉज़ फाउंडेड बाय मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय यानी कि मुगल मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की बाबर हुमायूं अकबर शाहजहाँ बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आई थिंक शायद मैं ये करा भी चुकी हूँ कि नहीं पता नहीं मुझे तो ये मुगल एम्पायर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे सबसे पहले आंसर आया एजे विवेक निकिता देबशीष तन्वय बहुत अच्छे अच्छा ये तो करेक्ट है अच्छा ये बताओ कि मुगल वंश की जो स्थापना की बाबर ने की बिल्कुल सही है कौन से सन में की ईयर बताना है आपको कौन से सन में की और किसको डिफीट किया किसको हरा के बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसको हराया था बिल्कुल सही नयन ने आंसर सबसे पहले किया फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स एक दो ने और भी पहले किया था आंसर फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में स्थापना की मुगल साम्राज्य की पंद्रह छब्बीस में हराया किसको बहुत बेहतरीन देबाशीष एंड नयन एकदम करेक्ट इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का आखिरी <coughs> लोधी वंश का जो आखिरी उनकी तरफ से आखिरी किंग था उसको हराया किसने बाबर ने हराया 1526 में और मुगल साम्राज्य की स्थापना की और वहीं पर किसका अंत हुआ लोधी वंश का अंत हुआ नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये क्वेश्चन तो न जाने में कितनी बार तुम्हें करा चुकी हूँ तो अब आ गया तो तुम ये तो भूलोगे नहीं नहीं भूलोगे मैं तुम्हें पढ़ाया भी है और याद भी कराना दोनों मेरा ही काम चल रहा है तुम्हारा बस इतना काम है आके क्लास अटेंड करो इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं ये भी नहीं कहती तुम बैठ के रटो वो भी मैं अपने आप करा दूंगी ऐसे करा दूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोगों ने रटा है ठीक है और इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है मैं बस तुम्हें ये अश्योरेंस दे रही हूँ कि कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा सब ठीक है अपने पे रखो मुझ पे रखो किसी पे भी कॉन्फिडेंस रखो लेकिन कॉन्फिडेंस रखो करेक्ट आंसर क्या है बिल्कुल सही केरला अच्छा केरला तुमने बता दिया मैंने जगह का नाम भी बताया था केरला में कौन सी जगह है केरला में कौन सी जगह है बेसिकली ये हाउस बोट टूरिज्म में हाउस बोट टूरिज्म में आपने देखा होगा कि केरला में बोट होती है ठीक है केरला में बोट होती है और उसी के ऊपर एक घर टाइप बनाया होता है ठीक है उसी टाइप की जगह पे ये म्यूज़ियम खुलने वाले हैं जो केरला के अंदर जितने भी श्रम आंदोलन हुए हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें उससे जुड़े हुए जितने भी इंफॉर्मेशन uh, चीज़ें वो सारी एग्जिबिट की जाएंगी उस म्यूज़ियम के अंदर रखी जाएंगी ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा क्लास सुबह ग्यारह बजे होती है इकोनॉमिक्स की और पांच बजे होती है स्टैटिक जीके की मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे होता है अपना मैराथन ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही एल्यूप्यूजा ये होगा उजा ठीक है स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन यही नाम है ये नाम की जो जगह है केरला में वहां पर फर्स्ट लेबर यानी कि श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला गया नेक्स्ट है थायपूसम इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट थाईपूसम नाम का फेस्टिवल मनाया गया मैंने ये आपको फेस्टिवल्स के टाइम पे कराया था थायपूसम मैं पहली क्लास जो ली थी फेस्टिवल्स की ली थी बहुत सारे फेस्टिवल्स थे उसमें वो क्लास भी ज़रूर अटेंड करना फेस्टिवल्स कवर हो जाएंगे अब आपसे पूछ रही हूँ थाएसम नाम का ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है कैसा है रिलीजियस फेस्टिवल रिजन रिलीजन से रिलेटेड है ना ही न्यू ईयर है ना ही कल्चरल है कैसा है रिलीजन से रिलेटेड है ना ही हार्वेस्ट है ये कहाँ मनाया जाता है बहुत अच्छे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा तमिलनाडु करेक्ट आंसर क्या होगा तमिलनाडु नेक्स्ट है लाल पहाड़ी ये क्वेश्चन भी कराया है लाल पहाड़ी पहला हिल स्टॉप बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री गैंगटिक वैली हैज बिन फाउंड इन विच स्टेट कौन सी जगह पे लाखी सराय लाखी सराय नाम की ये जगह है लाखी सराय नाम की जगह है जो कहां पर है बिहार के अंदर है वहां पर लाल पहाड़ी नाम की एक बहुत पहाड़ी वाला एरिया मिला है जहां पर क्या है बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि बौद्ध मठ पाया गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए बिहार नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बांग्लादेश बांग्लादेश में पतंग उड़ाने वाला ये भी मैंने तुम्हें कराया था पतंग उड़ाने वाला कौन सा फेस्टिवल है उससे मैंने तुम्हें एक ट्रिक भी बताई थी कि बांग्लादेश वाले कहते हैं कि हमें शक है इस बात का कि बारिश हो सकती है रेन आ सकती है और हम क्या नहीं कर पाएंगे काइट फ्लाई नहीं कर पाएंगे पतंग नहीं उड़ा पाएंगे तो बांग्लादेश को शक था कि पतंग नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि हो सकता है कि बारिश आ जाए रेन आ जाए इस बात का उन्हें शक था तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा शक रेन अच्छा यहाँ पर एक फेस्टिवल और मनाया जाता है फेस्टिवल और मनाया जाता है मैं उसका आगे का नाम तुम्हें बता देती हूँ पीछे का नाम तुम फिल कर दो पहला डैश नाम का बांग्लादेश में एक फेस्टिवल बनाया जाता है ये मैंने तुम्हें कराया था तो जल्दी से बताओ क्या था वो पहला डैश डैश आपको फिल करना है पहला क्या था पहला क्या था नहीं बोहाग नहीं था बहुत अच्छे तन्मय वेरी नाइस तन्मय बोहाग बिहू बोहाग बिहू काटी बिहू ये तो असम के थे काटी बिहू बोहाग बिहू ये असम के थे और माघ बिहू भी, भी का था असम का ये असम के फेस्टिवल थे ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा पहला पहला फागुन पहला फागुन नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है बांग्लादेश में और कैसा होता है स्प्रिंग फेस्टिवल होता है कैसा फेस्टिवल है स्प्रिंग फेस्टिवल है जब स्प्रिंग आती है तब तो मनाया जाता है नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल माओ वर्ड पे ध्यान देना चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम तो वैसे तो नागालैंड में भी मनाया गया नागालैंड में भी मनाया गया लेकिन जो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मनाया गया वो मनाया गया मणिपुर में एक जगह है मणिपुर में एक जगह है जिसका नाम है माओ जिसका नाम है माओ वहाँ पर बनाया गया इसीलिए चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया जो लोग नागालैंड कह रहे हैं अपनी गड्डी मोड़ लो क्योंकि माओ वर्ड इसमें इंक्लूडेड है तो ये मनाया गया कहाँ पर मणिपुर में क्योंकि एक जगह है माओ नाम की मणिपुर में वहाँ पर मनाया गया नेक्स्ट है विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट एक्टिविटी द विटामिन ई कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट को, को यूज़ करता है एक्टिविटी के लिए विटामिन बी ट्वेल्व डी बी टू विटामिन ए आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा थैंक यू सो मच अनुज बहुत अच्छे बिल्कुल सही बहुत अच्छे बिल्कुल सही अच्छा विटामिन बी ट्वेल्व का और क्या नाम है विटामिन बी ट्वेल्व का एक नाम है जल्दी बताओ विटामिन बी ट्वेल्व का क्या नाम है फटाफट बताओ विटामिन बी ट्वेल्व का क्या नाम है जल्दी से आंसर करो विटामिन बी ट्वेल्व का क्या नाम है फटाफट आंसर करो साइनो को बैलामिन बिल्कुल सही साइनो को, को बैलामिन ठीक है साइनो को बैलामिन विटामिन डी का सोर्स क्या है विटामिन डी का सोर्स क्या है विटामिन डी की ज़रूरत किसके लिए होती है आपको पता है बोन डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है इनफैक्ट विटामिन डी इज़ वेरी एसेंशियल आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी ठीक है आपके अंदर इम्यूनिटी uh, के साथ साथ जो ऑटो इम्यून डिस डिसीज़ेज़ होते हैं उनसे बचाने में हेल्प करता है विटामिन डी और विटामिन डी का सिर्फ एक ही सोर्स है वो है सनशाइन यानी कि धूप सिर्फ धूप से मिलता है या फिर बैठ के आप सप्लीमेंट ले सकते हो लेकिन विटामिन डी की मात्रा कम मत होने दिया करो और चेक करा लिया करो विटामिन डी आजकल लोग धूप में कम निकलते हैं तो विटामिन डी की मात्रा लोगों में कम रहती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस टीयर गैस का इनमें से कौन एक घटक है किसके क्या उसमें इंक्लूड होता है इथेन डालते हैं एथेनॉल डालते हैं ईथर डालते हैं या क्लोरोपिसरिन डालते हैं क्या होगा क्लोरोपिकरिन डालते हैं या ईथर डालते हैं या या फिर इथेन आंसर क्या होगा हर्षिल सेग सी नयानी सेंग बी देवाशीष सेंग ईथर तन्मय सेंग ए इथेन करेक्ट आंसर क्या होगा ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जो साइंस के क्वेश्चन मैंने डाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं मैंने ठीक है तो ये आ चुके हैं पूछे जा चुके हैं पुराने साल में पूछे जा चुके हैं ये तो ये ऐसे ही कुछ भी नहीं है करेक्ट आंसर क्या होगा किसी ने भी ये आंसर नहीं किया है करेक्ट आंसर होगा क्लोरोपिक्रिन करेक्ट आंसर क्या होगा टीयर गैस के अंदर ये क्लोरोपिक्रिन नाम की चीज डाली जाती है जिसकी वजह से आंसू आते हैं जिसकी वजह से आइज में रिटेशन होता है और आंसू आते हैं नेक्स्ट है वट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर विनेगर का सिरके का रासायनिक नाम क्या है सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड पायरुबिक एसिड या फिर मैलिक एसिड करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा <coughs> नयन ने, ने आंसर किया है एसीटिक अच्छा आपने ऋतिक करेक्ट आंसर किया था अच्छा हाँ ऋतिक का डी था सिर्फ ऋतिक का ही डी था बाकी सब सी ही बोल रहे थे आंसर क्या होगा बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर एसिटिक एसिड अच्छा सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है देवाशीष सिंह लेमन नयन सिंह लेमन तन्मय सिंह लेमन बिल्कुल सही जितने भी लेमन और इस टाइप की जो आपके सौर यानी कि खट्टी चीजें होती है उसमें सिट्रिक मिलता है लेमन में मिलता है आपका ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड अच्छा पायरुविक एसिड किस में पाया जाता है पायरुविक एसिड किसमें पाया जाता है पायरुविक एसिड किसमें पाया जाता है मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है पायरोविक एसिड किसमें पाया जाता है फटाफट आंसर करो गुड मॉर्निंग आदित्य कैसे हैं आप फटाफट आंसर करो बहुत देर लगा रहे हो जल्दी से आंसर करो पायरोविक एसिड किस में पाया जाता है और मैलिक किस में पाया जाता है बिल्कुल सही मैलिक पाया जाता है एप्पल में एकदम करेक्ट है पायरोविक का किसी में किसी ने भी अभी तक नहीं बताया सब मैलिक पे अटक गए हैं जल्दी से आंसर करो एक का भी आंसर आएगा आगे बढ़ते हैं पायरोविक किस में पाया जाता है कोई आंसर ही नहीं कर रहा है एसिड का किसी को भी नहीं पता है याद नहीं आ रहा ऋतिक <laughs> <laughs> सर्च करके बताता हूं ठीक है सर्च करके बताना ठीक है नेक्स्ट देखो ही ट्रांसफर हॉरिज़ॉन्टली विद इन दस एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर जब हीट एटमोस्फेयर में हॉरीजोंटल यानी कि लाइन वाइज इस तरीके से ट्रांसफर होती है तो उसको क्या कहते हैं और अगर हीट इस तरीके से यानी कि वर्टिकली ट्रांसफर होती है तो उसको क्या कहते हैं अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा है फिलहाल कि हॉरिजोंटली आपको बताना है हॉरीजोंटली कैसे ट्रांसफर होती है हीट उसको क्या बोलते हैं देखो जब हॉरीजोंटली विंड के थ्रू हीट ट्रांसफर होती हुई जा रही है तो उसको इसमें से क्या बोलेंगे कंडक्शन कन्वेक्शन एब्जॉर्प्शन या फिर एडवेक्शन चालन संवहन अवशोष या फिर सनवहन दोनों का ही नाम सन लिखा हुआ है ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बहुत अच्छे बहुत अच्छे मतलब बराबर से सब गलत हो रहे हो बराबर से सब गलत हो रहे हो मैं बताती हूं कैसे गलत हो रहे हो तुमने किया इसको अभी गूगल पे सर्च कि हीट ट्रांसफर होती है एटमोस्फेयर में क्या होगा उसके पास तुम्हारे पास जो पहला ऑप्शन खुल के आया तुमने उसे ढंग से पढ़ा ही नहीं उसमें लिखा होता कन्वेक्शन लेकिन कन्वेक्शन के आगे लिखा हुआ था दोस्त वर्टिकली वो तो कर लेते हॉरिजोंटली होता है एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टली होता है हॉरिजॉन्टली होता है एडवेक्शन में चीटिंग करो लेकिन समझ से करो ठीक है ना समझी से मत करो जो तुमने ना समझी किया है वो मैंने पकड़ लिया है टीचर के सामने तुम ज़्यादा नहीं बोल सकते ठीक है ये वर्टिकली के लिए है, और पूछा है हॉरेजोंटली कई बार ना हम पूछते हैं कुछ गूगल से वो निकाल देता है कुछ और उसके बाद में जब हम देखते हैं अगर उसको अन... ऊपर ऊपर का पढ़ के साइड में चल लोगे ना तो फंस जाओगे ठीक है एग्जाम में भी फंस जाओगे नेक्स्ट देखो वो कहते हैं ना जिस स्कूल में तुम पढ़े हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं तो प्रिंसिपल तो नहीं लेकिन टीचर ज़रूर रह चुके हैं नेक्स्ट देखते हैं नॉइस इज मेजर्ड इन नॉइस यानी कि शोर किस में मापा जाता है वॉट आर ई एम सेंटीग्रेड या फिर डेसिबल एक तो तुम लोग आज इतने कम आए हो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमको जीएस में इंटरेस्ट नहीं है तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है कहाँ हैं सारे बच्चे एक तो कुछ तो दिक्कत ये हो गई कि क्लास जो आज लेट स्टार्ट हुई है काफ़ी बच्चे वहीं से निकल लेते हैं कि आज क्लास होगी ही नहीं मैम की करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही डेसिबल है अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं कि नॉर्मल रेंज डेसिबल की जो कॉन्वर्सेशंस की सुनने की जो नॉर्मल रेंज होती है डेसिबल्स की जो हमारे कान के लिए ंग रहती है वो क्या रेंज होती है कितने डेसिबल की रेंज होती है जो हमारी नॉर्मल रेंज हेलो है? अखिलेश कैसे हैं आप दस से पचास पचास से साठ बीस से दो सौ अच्छा नॉर्मल जो हमारी रेंज होती है ना कॉन्वर्सेशन की जो हम बातें करते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो रेंज होती है वो होती है थर्टी टू सिक्सटी डेसिबल इससे आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी जो ये मोटर बाइक्स की होती हैं इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है इनकी होती है नाइन्टी डेसिबल्स ठीक है साठ से ऊपर जाते जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो डेसिबल्स आते रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉइस होती जाती है ठीक है काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉइस होती जाती है और फिर ऐसे तो कितने ही तुम कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों में जैसे कि आपकी एयरप्लेन्स हैं उनसे कितनी तेज साउंड आती है बाकी चीज़ों से बहुत तेज साउंड आती है लेकिन नॉर्मल माना जाता है तीस से साठ डेसिबल के बीच में नेक्स्ट है बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज रात में चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि दे कैन सी द ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस दे हैव वीक लेग्स एंड आर लाइकली टू बी अटैक बाय प्रिडेटर्स या फिर फ्लैशेज ऑफ लाइट की वो जो लाइट की फ्लैशेस मारते हैं अपने आँखों से या दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा मैं कितने बजे से पढ़ाती हूँ अखिलेश मैं पढ़ाती हूँ ग्यारह बजे सुबह इकोनॉमिक्स की क्लास होती है और पाँच बजे शाम को होती है स्टैटिक जी की क्लास तो उसमें जीएस के काफ़ी मिक्स क्वेश्चन कराने वाली हूँ अगले वीक से मैं तो उसमें काफी सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर डी आंसर आ रहा है दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर क्या होगा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं इसी की वजह से बैट्स चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाते हैं ठीक है नेक्स्ट देखे नेक्स्ट है आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड यानी कि नक्शा बनाने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है रिमोट सेंसिंग कार्टोग्राफी फोटोग्रामेट्री या फिर मैपिंग करेक्ट आंसर क्या होगा कुछ लोगों का मैं आंसर ऑलरेडी समझ चुकी हूँ कि आंसर उनका क्या होगा बाकी लोगों का देखना है बहुत अच्छे आंसर आया है अभी तक नयन विवेक हर्षिल ऋतिक भावेन बिल्कुल सही हाँ रितेश ने बोला मैपिंग रितेश यही तो मैं देख रही थी वो कौन है कौन है दिग्गज लोग <laughs> उसमें फंसे हैं रितेश आके मैपिंग करेक्ट नहीं होगा मैपिंग नहीं कहा जाता मैप मेकिंग को बोला जाता है कार्टोग्राफी इसमें जितने भी आपके मैप बनाए जाते हैं उसकी आर्ट को क्या कहा जाता है कार्टोग्राफी कहा जाता है ठीक है मैपिंग नहीं कहा जाता है मैपिंग तो वो है कि मैप उठा के हम उसमें देख देख के पढ़ रहे हैं वो मैपिंग है ठीक है कार्टोग्राफी करेक्ट आंसर होगा मैप बनाने की कला को बोला जाता है कार्टोग्राफी नेक्स्ट है द मटीरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल लेड वाली पेंसिल जो होती है उसमें जो मटीरियल यूज होता है वो कौन सा होता है ग्रेफाइट लेड कार्बन या फिर मीका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा हर्षिल ने बोला है ए तन्मय ने बोला है ए बहुत अच्छे भाविन ने बोला है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट अब कुछ लोग लेड पेंसिल सोच के लेड पे मत लगा देना ठीक है लेड पे मत लगा देना लेड काफ़ी हानिकारक मटेरियल होता है और कई बार इसको ना उनमें भी डाला जाता है फूड आइटम्स में भी डाला जाता है और ये काफ़ी ब्रेन डैमेज करने वाली चीज़ है जैसे मैगी में बोला गया था कि उसमें जो ये डालते हैं ना क्या होता है एम एस एम एस जी कुछ टेस्ट एनहेंसर टाइप डालते हैं ये लोग तो उसमें लेड होता है और लेड की मात्रा जिस चीज़ में अगर होती है तो वो थोड़े थोड़े टाइम में दिमाग को ब्रेन को डैमेज करती है करेक्ट आंसर था यहाँ पर ए ग्रेफाइट रिंग इज़ अ डैश डिजीज़ रिंग वॉर्म कैसा डिजीज़ है देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट में से मैंने देखे हैं ठीक है तो अगर तुम्हें को ये ईजी लग रहे हैं तो भी ये ब्लेम करो एस वालों को ठीक है और अगर नहीं लग रहे हैं तो भी उन्हीं को ब्लेम करो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बहुत अच्छे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा फंगल फंगल इन्फेक्शन होता ही है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वट वॉज द कॉमन नेम ऑफ मेहरूनिशा मेहरून को किस नाम से लोग जानते थे जहां आ रहा नूर जहां हमीदा मानो या फिर गुल बदन बानो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा मेहरू को किस नाम से जानते थे हर्षिल ने आंसर किया यहाँ पर बी थोड़ा क्लास का डेकोरम देख के अपने कमेंट किया करो राजेश प्लीज़ बिहेव करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर नयान सिंह नूरजहाँ विवेक सिंह बी हर्षिल सिंह बी ज़्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं नूरजहाँ अच्छा नूरजहाँ किसकी वाइफ थी निशा को नूरजहाँ बोला जाता है बिल्कुल सही बोला जाता था नूर लेकिन अगर मैं आपसे पूछू नूर किसकी वाइफ थी तो आंसर क्या होगा आपका आंसर क्या होगा आपका नूर जहां किसकी वाइफ थी <laughs> क्या कर रहे हो शाहजहां शाहजहां की वाइफ थी क्योंकि नूर जहां नाम तो है तो शाहजहां हद कर दी हद कर दी मार दो <laughs> जहर दो मुझे सही आंसर को सही गलत है ये करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा शाहजहां नहीं है करेक्ट आंसर क्या होगा अब अकबर ना बोल देना थैंक्स एजे आपने कम से कम सही आंसर किया करेक्ट आंसर होगा जहांगीर जहांगीर की वाइफ थी ये कौन थी नूरजहां जहांगीर जा, की वाइफ थी ये और शाहजहां की माँ थी ये लास्ट वाइफ थी जहांगीर की लास्ट वाइफ का नाम क्या था नूरजहां और उनका नाम था मेहरुनिसा लेकिन वो काफ़ी फेमस थी किस नाम से नूरजहां के नाम से और ये जहांगीर की लास्ट वाइफ थी उनका नाम था नेक्स्ट है इन विच इंडियन रिलीजन दे आर ट्वेंटी फोर तिरंतकारा ठीक है ये चौबीस तिरंतकार कौन से भारतीय धर्म में है जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म या फिर सिखिज्म जैन धर्म बौद्ध धर्म हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म कर, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाइफ थी उनकी काफी फेमस थी काफी पावरफुल भी थी करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही सभी ने एकदम करेक्ट आंसर किया है हर्षिल विवेक एजे देवाशीष भावेन नयन बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका जैनिज्म ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा जैनिज्म अच्छा जैनिज्म की एक बुक बोली थी तुम्हें बताना कौन सी पवित्र बुक कही जाती है जैनिज्म की जैनिज्म की पवित्र बुक कौन सी कही जाती है और एक हमने पढ़ी थी बुद्धिज्म की एक हमने कौन सी पढ़ी थी बुद्धिज्म की पढ़ी थी जल्दी से आंसर करो हाँ, अगमा नाम की क्या थी अगमा नाम की जो बुक थी वो पवित्र बुक बोली जाती थी किसकी जैनिज्म की जैन धर्म की और बुद्ध धर्म की कौन सी थी बिल्कुल सही देवाशीष त्रिपितिका त्रिपितिका नाम की जो बुक है वो कही जाती है बौद्ध धर्म की पवित्र बुक नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर सत्याग्रह के दौरान सबसे पहली बार अरेस्ट कब हुए महात्मा गांधी जी 1906, 1908, 1913 या 1970 करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा हर्षिल का आंसर आया बी हर्षिल सिंग 1908 जीरो एट नयन सिंह नाइनटीन जीरो एट ऋतिक सिंह नाइनटीन सेवनटीन ओके करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का आंसर है या तो 1908 या 1917. करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गए, हो गए. <laughs> 1908 करेक्ट आंसर क्या होगा 1908 आंसर करेक्ट होगा इधर ठीक है फर्स्ट अरेस्ट कब हुए थे सत्याग्रह के दौरान 1908 में नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ पता है फोन बज रहा है लेकिन ये मेरा नहीं है किसी और का है शायद भाई का है करेक्ट आंसर क्या होगा एक सेकेंड मुझे इनको बोलना पड़ेगा कि यहाँ से इस फोन को लेके जाए इरिटेट कर रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आंसर इधर आ रहा है सभी का कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा कुतुबुद्दीन ऐबक एकदम करेक्ट आंसर होगा देखो फाउंडर ये कहे जाते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि रियल फाउंडर कौन है एक्चुअल में स्लेव डायनेस्टी के लिए किन्होंने कार्य किए हैं एक्चुअल में स्लेव डायनेस्टी को वो पीक पर लेके गए हैं तो उनमें से कौन से गे? गुलाम वंश को एकदम टॉप पे ले जाने वाले कौन है उसमें एक्चुअल काम करने वाले कौन है बहुत अच्छे रियल फाउंडर कौन होंगे रियल फाउंडर होंगे अल्तुत्मिश ठीक है ये नहीं है रियल फाउंडर कौन है अल्तुत्श होंगे रियल फ़ाउंडर क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए बहुत सारे काम कि की किए अल्तुत्मिश ने किए अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक को और किन नामों से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को और किन नामों से जाना जाता है ये लाखों का दान करते थे इसके लिए इन्हें कौन सा नाम मिला था लाखों का दान करते थे इन्हें कौन सा नाम मिला था इन्हें मिला था लकब्श का नाम क्योंकि लाखों का दान करते थे और ये सेनापति थे इसके लिए इन्हें और किस नाम से जाना जाता था क्योंकि ये सेनापति थे इन्हें किस नाम से जाना जाता था जल्दी से बताओ किस नाम से जाना जाता था फटाफट आंसर फटाफट आंसर फटा करो और किस नाम से सेनापति होने की वजह से इन्हें किस नाम से जाना जाता था इन्हें बोला जाता था सीपा सलार ठीक है लक्ष बक्ष बोला जाता था नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया सबसे पहली बार इंडिया में रेल कहा, ट्रेन कहां चली थी मुंबई टू लोखंड वाला मुंबई टू थाने मुंबई टू कोलकाता या फिर मुंबई टू बैंगलोर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा विवेक का आंसर है बी ऋतिक का आंसर है बी हर्षिल का आंसर है बी देवाशीष मुंबई टू थाने एंड नयन इज सेइंग आल्सो मुंबई टू थाने करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा मुंबई टू थाने ठीक है थर्टी फोर किलोमीटर का ट्रैक था थर्टी फोर किलोमीटर का ट्रैक था अच्छा ये बताओ कौन से ईयर में चली ईयर बताना ज़रा मुंबई टू ठाणे चली लेकिन कौन से ईयर में चली थर्टी फोर किलोमीटर का वो ट्रैक था जहां पर ये ट्रेन चली चलाई गई अच्छा ओके 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 रितिक बहुत अच्छे गौरव बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा एटीन फिफ्टी थ्री तनमय बिल्कुल सही एटीन फिफ्टी थ्री सिक्सटीन ऑफ अप्रैल सोलह अप्रैल एटीन फिफ्टी थ्री को पहली बार ट्रेन चलाई गई इंडिया में मुंबई से लेके थाने तक चौंतीस किलोमीटर का ट्रैक था रेलवे ट्रैक उस पर चलाई गई नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलिंग बुक रिटर्न बाय अमोघर्षा द राष्ट्रकुता के जो ये राष्ट्रकुता राजा हैं जिनका नाम था अमोघ वर्ष उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी इनमें से आदि पूर्णा गणित सरा समग्र याना या फिर कवि राजमार्ग ठीक है कवि राजमार्ग या फिर संतयान या फिर आदि पुराण या फिर गणित सार संग्रह करेक्ट आंसर क्या होगा डी नयन सिंह डी एनी बडी एल्स अमित सेह डी भाविन डी करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बहुत अच्छे देवशीष गौरव अमित बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा कवि राजमार्ग नाम की किताब लिखी गई है राष्ट्रकुता किंग है राष्ट्रकुता राजा है जो अमोघ वर्ष ने किसने अमोग वर्ष ने इन्होंने लिखे कवि राजमार्ग नेक्स्ट है विद विच रिलीजन इज कैवल्या एसोसिएटेड किसके साथ में कौन से धर्म के साथ में कैवल्या का संबंध है बुद्धिज्म जैनिज्म सिंधु हिंदुइज्म या फिर सिखिज्म करेक्ट आंसर क्या होगा कैवल्या का बताना है आपको कैवल्या का बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा वल्या का बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा आंसर आ रहा है यहां पर ए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ए नहीं होगा करेक्ट आंसर होगा बी देखो कैवल्या का मतलब होता है कैवल्या का मतलब होता है केवल केवल जना मतलब कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो जैंस हैं जो जैन हैं उनका क्या है ओमनी साइंस है मतलब वो सब कुछ जानते हैं ठीक है सब कुछ जानने की कला को क्या बोलते हैं ओमनी साइंस बोलते हैं वो कहते हैं इसको केवल जना से भी बोला जाता है और ये किसका पार्ट है जैनिज्म का पार्ट है जिसका मतलब होता है ओमनी साइंस ऑफ जैनिज्म ठीक है ओमनी साइंस इन जैनिज्म कि सब कुछ आप कैसे जान सकते हो और सारी जो कला होती है देखो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में अपनी आत्म शक्ति अपने अंदर चीज़ों का वो होता है ना निर्वाणा अचीव करना ठीक है एनलाइटमेंट अचीव करना तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड ये चीज़ें हैं जैनिज़्म और बुद्धिज्म में नेक्स्ट है हु सेट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा कि 1857 का जो ये विद्रोह था ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई था लेकिन ये बहुत ही बुरी तरह फेल हुआ 1857 का ये रिवॉल्ट बहुत ही बुरी तरह फेल हुआ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि एक साथ लड़ाई करके एक साथ आने की बजाय सब जगह पे अलग अलग टाइम पर विद्रोह छेड़ा विद्रोह छिड़ा तो अंग्रेजों ने आसानी से उस विद्रोह को दबा दिया अगर सब एक एक ही समय पर सारी जगह पे विद्रोह छिड़ता तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता लेकिन अलग अलग यूनिट पे छिड़ा इसलिए उनके लिए आसान हुआ वहाँ का विद्रोह दबाना और इसीलिए 1857 के रिवर्ट के टाइम पर सबकी हार हुई बहुत सारी जगह पर हार हुई ठीक है नेक्स्ट आंसर क्या होगा अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वी डी सावरकर इसका करेक्ट आंसर होगा उन्होंने ही ये बोला था वी डी सावरकर जी ने कि 1857 का विद्रोह पहला भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए युद्ध था नेक्स्ट है पॉपुलर यैंकी स्टेडियम इन यूएसए इज़ लोकेटेड ये यैंकी स्टेडियम जो यूएसए के अंदर है ये कहाँ पर स्थित है बॉस्टन न्यूयॉर्क लॉस वेगस या फिर वॉशिंगटन करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा देबाशीष सिंह लॉस वेगस इज सिंह बी विवेक सिंह सी तन्मय सिंह ए पवन सिंह न्यूयॉर्क तो जितने भी लोग बोल रहे हैं न्यूयॉर्क एकदम करेक्ट आंसर है आपका यैंकी स्टेडियम न्यूयॉर्क के अंदर है यंकी स्टेडियम अच्छा किस स्पोर्ट्स का स्टेडियम है ये कि स्पोर्ट का स्टेडियम है ये जो यंकी स्टेडियम है इज अ बेसबॉल पार्क ये कैसा पार्क है बेसबॉल पार्क है यहाँ पर बेसबॉल पार्क बनाया हुआ है काफी स्पोर्ट यहाँ पे खेले जाते हैं यंकी स्टेडियम फेमस है बेसबॉल पार्क के लिए और ये कहाँ पर स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है जो कि यूएसए में है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार इनमें से कौन सी स्टेट कौन सा राज्य है म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री अपनी सीमा साझा नहीं करता असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मणिपुर करेक्ट आंसर क्या होगा असम, ओ, असम, बांग्लादेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मणिपुर बहुत अच्छे सभी का आंसर एकदम करेक्ट है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है असम 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 बिल्कुल सही असम के साथ साथ और कौन है जो नहीं शेयर करता एक है आपका त्रिपुरा एक है आपका मेघालय ठीक है ये भी म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते और शेयर कौन कौन करते हैं अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है नागालैंड शेयर करता है और कौन करता है मणिपुर शेयर करता है क्योंकि ये इस इस तरफ़ वाले रीजन में पड़ते हैं ना मैप के जब मैप से करोगे ना तो ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आ जाती है मैप से करोगे तो तुम्हें यह पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेट कौन से देश के साथ में बाउंड्री नहीं करती या कौन सी स्टेट कौन सी बाकी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है ये तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता लग जाएगा एक बार अगर मैप से तुम चीज़ें फिल करके देखोगे तो, तो मैप काफ़ी अच्छा रहता है अगर जोग्राफ़ी करनी है तो नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच वन इन फॉलोइंग रेंज नाथुला पास है ये जो इन में से कौन सी रेंज की इधर आता है आपने बोला लेकिन सिक्किम तो ऑप्शन में ही नहीं है ना सिक्किम तो चलो ठीक है तुम्हारा ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में से क्या बोलोगे आउट ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ ऑप्शन क्यों क्वेश्चन तुम आंसर दे रहे हो हाँ जी पवन मैं वहां पे थी करेक्ट <laughs> आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं बी उनका होता है गलत कारा में नहीं है ये कहाँ पर है हिमालयाज के उधर ठीक है ये कहाँ पड़ता है नाथुला पास ये हिमालयाज में पड़ता है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का अदर नेम कौन सा है पीर पंजाल शिवालिक रेंज शहादरी या मालाद्री करेक्ट आंसर क्या होगा अच्छा वेस्टर्न घाट आपको पता है ये जो इधर से कुछ इस टाइप का बनता है ठीक है ठीक है इस टाइप का नीचे से बनता है वैसे मैं मैप बहुत खराब बनाती हूँ आई थिंक मुझे रुक जाना चाहिए लेकिन फिर भी मेरे अंदर की कला मान नहीं रही है ये ये यहाँ आके मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ ठीक है बाकी तो ठीक ही चल रहा था करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा वेस्टर्न घाट की ही एरिया को बोलते हैं शहादरी रेंज वेस्टर्न घाट के एरिया को और क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट के एरिया को शहादरी रेंज भी कहते हैं शहादरी रेंज भी कहते हैं अच्छा इधर की तरफ कौन सा कोस्ट आता है और एक इधर की तरफ से आता है चलो ये तो बाद में कर लेंगे इतना डेप्थ पे नहीं जाते बाकी क्वेश्चन भी, सारे हैं। वो भी करने of of किस राज्य के तट पर स्थित है न्यू मैंगलोर पोर्ट केरला कर्नाटका गुजरात या फिर महाराष्ट्र करेक्ट आंसर क्या होगा <laughs> गुजरात पाकिस्तान से हो जाता है कभी कभी तुम लोग बना के दिखाओ तुम तो इतना भी ड्राइंग नहीं बना पाओगे एक तो मैंने रब भी नहीं किया सिंगल गो में सिंगल स्ट्रेस में मैंने इतना ड्रॉ कर दिया है तुम बना के दिखाओ तो पता चलेगा दूसरों के ऊपर हंसना बहुत आसान है दोस्त खुद बना के देखो तब पता लगेगा करेक्ट आंसर क्या है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा कर्नाटका करेक्ट आंसर क्या होगा कर्नाटका होगा इधर अच्छा महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा पोर्ट है जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कहा जाता है जिस लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है वो कौन सा कहा जाता है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट महाराष्ट्र का है बताओ आंसर क्या होगा बताओ आंसर क्या होगा अरे आज ट्रिक वाला वो नहीं है ना टॉपिक नहीं है ना ट्रिक वाले नावा सेवा नावा शावा देखो नावा शावा जिसको जवाहरलाल पोर्ट भी कहते हैं जवाहरलाल पोर्ट भी कहते हैं है ना और एक आपको पता होगा मुंबई पोर्ट मुंबई पोर्ट मुंबई पोर्ट पहला ऐसा नेचुरल हार्बर पोर्ट है जो एक तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हिंटरलैंड डीसी के साथ है यानी कि हिंटरलैंड क्या होता है जो तट के साथ साथ भूमि वाला एरिया होता है जो भूमि वाला एरिया होता है तट के साथ साथ वैसा लैंड वाला एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा किसका है मुंबई पोर्ट का है और अभी जवाहरलाल पोर्ट को पछाड़ते हुए ये करंट का सवाल है लार्जेस्ट कंटेनर आई थिंक फेब या मार्च की बात है तब बना था मुंबई पोर्ट ठीक है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल पोर्ट को पछाड़ के बना था मुंबई पोर्ट नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अबंडेंट इन ग्रेप्स एंड टैमरिन यानी कि अंगूरों के अंदर केले और इमली के अंदर पाए जाने वाला एसिड कौन सा है लैक्टिक एसिड ऑक्सलिक एसिड एसिड करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर करो फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा कृष्ण लाल इज सेंग डी भाविन इज डी करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा टाटरिक एसिड टार्ट्रिक एसिड आपको कहाँ पाया जाता है एक तो टैमरिन यानी कि इमली में पाया जाता है दूसरा आपको अंग, अंगूर में ग्रेप्स में पाया जाएगा तीसरा आपको बनाना में भी देखने को मिलेगा यहाँ पर ये अबंडेंट क्वांटिटी में होता है अच्छा लैक्टिक एसिड कहाँ देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड कहाँ देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड कहां देखने को मिलता है जल्दी से आंसर करो लैक्टिक एसिड कहां देखने को मिलता है आंसर आ रहा है मिल्क मिल्क दही दूध में ठीक <laughs> है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है ऑक्जिलिक एसिड और साइलिसिक एसिड ये कहाँ पर देखने को मिलता है सेसिलिक एसिड और ऑक्जिलिक एसिड ये किसमें देखने को मिलता है देखो ऑक्सिलिक जो एसिड है ये आपको ग्रीफी आ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में यानी कि पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा जितने भी होते हैं और ये जो सेसिलिक एसिड है ये आपको देखने को मिलेगा वेजिटेबल्स में और देखने को मिलेगा आपको फ्रूट जूसेस में और सेसिलिक जो ये एसिड होता है ये काफ़ी अच्छा होता है आपके हेयर के लिए आपके फेस के लिए इनफैक्ट बहुत सारे आ, फेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं फेस वॉशेस होते हैं उनमें सेसिलिक एसिड इंक्लूड किया जाता है अभी तो फेस मास्क वगैरह आते हैं उनमें भी इंक्लूड किया जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी आ, स्किन के लिए एंड आपके हेयर के लिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अच्छा तुमसे एक पहले मैंने पायरूविक पायरूविक एसिड बोला था किसी ने बोला था ऋतिक ने बोला था शायद मैम देख के बताऊंगा पायरूविक एसिड किस में पाया जाता है सिर्फ उस वक्त एक ही इंसान ने एक ही बंदे ने आंसर किया था शायद तन में था जिसने बोला था केमिकल्स में होता है ये सेल्स में पाया जाता है ठीक है ये सेल्स के अंदर में पाया जाता है और एक्चुअल में ये केमिकल फॉर्मूला होता है केमिकल एक एसिड होता है जिसका नाम है पायरूविक एसिड ठीक है तुमने तो सर्च किया ही नहीं नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ एनलजेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग आ गया ना पायरेटिक पायरोविक पायरेटिक आ गया ना अब देख लो एंटीपायरेटिक ड्रग एसिटिलिस सेसलिक एसिड क्या बोला जाता है इसको देखो एनलजेसिक वो होता है जो मतलब पेन रिलीफ टाइप होता है एनलजेसिक क्या होता है जो पेन रिलीफ के लिए हेल्प करता है पेन रिलीफ में हेल्प करता है तो इसमें एसिड का नाम है एसिटिल सेसलिक एसिड पैरासिटामोल विंटर ग्रीन या फिर बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्या होगा पर? होगा पर एस्पिरिन इसको बोला जाता है एस्पिरिन ये एक कॉमन नेम है ये एक जर्नल नेम है जिसमें आपके छोटे मोटे जो एक होते हैं ना जैसे कि आपको हेड एक हो गया स्टमक एक हो गया तो उसमें एस्पिरिन दिया जाता है और मोस्ट अबंडेंटली एस्पेरिन यूज होता है आपका जब भी हेड वगैरह होता है उसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंटली यूज़ होता है एस्पेरिन पैरासिटामोल जर्नली दिया जाता है जब बॉडी एक हो या फिर आपको फीवर हो तो पैरासिटामोल तभी देते हैं नेक्स्ट है द सेक्रेट बुक ऑफ द जैनस आर नोन एज अब बताओ सैक्रेट बुक जैन धर्म की कौन सी है जैन धर्म की सेक्रेड यानी कि पवित्र ग्रंथ कौन सा है अगमा त्रिपित का या फिर श्रुति या फिर नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज का ऑप्शन कहाँ गया भाई <laughs> नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही नहीं है आंसर करो क्या होगा करेक्ट आंसर करो क्या होगा करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा अगमा अगमा होती है की तो किसकी होती है किसकी होती है त्रिपित किसकी रिलीजियस और सेक्रेट बुक है किसकी पवित्र ग्रंथ है त्रिपित करेक्ट आंसर क्या होगा हर्षल ने आंसर किया है ए जितेंद्र ने आंसर किया ए त्रिपुत का बुद्धिस्ट बिल्कुल सही देवाशीष तन्मय नयन दीपक बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा ये होगा बुद्धिस्ट की बौद्ध धर्म की अच्छा जितने लोग नहीं जानते हैं ये शीतल शर्मा जीरो वन नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ फॉर वीकेंड क्विजेज इन सब के लिए और आपको ये मेरा इंस्टा आईडी है यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छा श्रुति नाम की ये जो बुक है ये किस चीज़ की होती है ये वेद से रिलेटेड है ये बेसिकली हिंदूज में एक पवित्र बुक मानी जाती है श्रुति नाम की अगमा हो गई जैंस के लिए त्रिपितकस हो गई बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के लिए और श्रुति हो गई हिंदू धर्म के लिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टार्टेड खंजर वी मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और कौन से देश के बीच में की जाती है अच्छा ये मैंने आपको खंजर से याद कराया था कि इंडिया की पीठ में किसने खंजर गोपा उसने गोपा जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है उसने इंडिया की पीठ में खंजर गोपा इंडिया के साथ विश्वासघात किया और गिरगिट की तरह कौन रंग बदलता है जिसका नाम गिरगिट जैसा ही है किरगिस किर्गिस किर्गिस, किर्गिस. गिरगिट तो किर्गिट Uh, किर्गिज है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और इंडिया के पीठ में खंजर गोपता है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है खंजर एक्सरसाइज होती है नेक्स्ट है चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंदोली नेशनल पार्क इनमें से कौन सी भारतीय राज्य के अंदर है मेघालय मणिपुर महाराष्ट्र या फिर मिजोरम करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा थैंक यू थैंक यू करेक्ट आंसर होगा इधर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर महाराष्ट्र महाराष्ट्र इसका मैंने तुम्हें कुछ याद तो नहीं कराया था ना मैं कह रही थी कि अगर इसकी मैंने ट्रिक बनाई तो तुम मर जाओगे कुछ इस टाइप से तुम सह नहीं पाओगे कुछ सर फट जाएगा इस टाइप से कुछ होगा चांद की गोली कुछ इस टाइप की है ना तो चंदोली कहाँ से है महाराष्ट्र से है चांद की डोली कहाँ से उठी महाराष्ट्र से उठी ये वैसे ही बोल रही हूँ मैं मजाक में में ठीक है इसको ट्रिक मत समझ लेना डैश इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है अच्छा मैंने तुम्हें ये बताया था नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व में क्या अंतर है टाइगर रिजर्व है बेटा टाइगर रिजर्व का पापा कौन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसका भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पापा और टाइगर रिजर्व का दादा कौन है नेशनल पार्क नेशनल पार्क सबसे बड़ी चीज़ है नेशनल पार्क के अंदर ही होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क अगर बोलें तो हम यहाँ कहेंगे जितने भी एनिमल्स हैं उनका रख रखाव जितने भी प्लांट्स हैं उनका रख रखाव और उसके साथ साथ अगर कोई नेचुरल हेरिटेज नेचुरल सीनरी है जो हमारी हेरिटेज की है मतलब बहुत ही कल्चरल कल्चर हेरिटेज के बहुत सदियों से है और उसको हम संजो के रखना चाहते हैं तो वो सीनरी वो पहाड़ वो प्लांट वो एनिमल्स सबको कंजर्व किया जा रहा है सबका संरक्षण किया जा रहा है तो वो किया जाएगा राष्ट्रीय उद्यान बोला जाएगा अगर खाली जहाँ पर एनिमल्स का जितने भी वाइल्ड लाइफ है वन्य जीवन है उसका संरक्षण किया जा रहा है तो बोला जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइगरों का संरक्षण किया जा रहा है उसको बोला जाएगा टाइगर रिजर्व ठीक है हो सकता है कि कुछ एरिया को बोल दिया जाए एक नेशनल पार्क के कुछ एरिया को टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया जाए और बोला जाए इतना एरिया सिर्फ टाइगर्स के लिए रिजर्व है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाघों का क्या होगा यहाँ पर उनका संरक्षण किया जाएगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोल देगा कि यहाँ पर जितने भी जीव हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और नेशनल पार्क में बोल देगा यहाँ पर सब चीज़ों का करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अच्छा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक और नाम क्या है किस नाम से जानते हैं इसको किस नाम से जानते हैं इसको जल्दी से बताओ किस नाम से जानते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं हम इसको फटाफट आंसर करो अच्छा सॉरी 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 लार्जेस्ट ये तो फर्स्ट मैं फर्स्ट सोच रही थी ये फर्स्ट नेशनल पार्क है लेकिन लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ पर है लद्दाख में है फर्स्ट अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो कौन सा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क तो करेक्ट आंसर होगा हेमिस ठीक है और ये 1936 में आया था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं द टर्म टी इज यूज कॉमनली इन विच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टी नाम की ये जो टर्म है ये शब्द है प्रयोग किसमें किया जाता है टेनिस में पोलो में गोल्फ में या फिर रेसिंग में करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट <coughs> आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गोल्फ जैसे कि तुम लोगों का अमाउंट बहुत ज़्यादा है क्लास में तो मेरा दिल कर रहा है कि दो घंटे मैं क्यों गला फाड़ रही हूँ मैं पहले ही रैपअप करके निकल लेती हूँ ठीक है तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी देर क्लास लेने का अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही नहीं है क्लास में क्योंकि हमें भी अजीब लगता है इतने घंटे क्लास लेके गला खराब करा के उसमें भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं कुछ व्यूज़ नहीं कुछ नहीं तो ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है मन नहीं करता क्लास लेने का नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ बास्केटबॉल टीम आर बास्केटबॉल की टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा तुम्हें कराया था बेसबॉल टीम बेसबॉल टीम में कौन कौन होते हैं नोबित और जियान से याद कराया था बेसबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें होते हैं आपके नाइन प्लेयर्स बेस टीम में होते हैं नाइन प्लेयर्स सेवन प्लेयर्स कौन से गेम में होते हैं जल्दी से बताओ सेवन प्लेयर्स कौन से गेम में होते हैं नेटबॉल याद आया और कौन सा था वाटर पोलो याद आया सिक्स प्लेयर्स किस में होते हैं हॉकी में हॉकी इंडोर हॉकी में और इसी के साथ साथ आइस हॉकी में भी कितने होते हैं सिक्स प्लेयर्स बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल टीम में होते हैं आपके पांच प्लेयर्स ओके कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते, है? होते, है? होते, है? होते, है? है, होते हैं कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में आपके कितने प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं बिल्कुल सही खोखो में नाइन होते हैं खोखो में बताया था नौवा पापा का हेलीकॉप्टर था जोड़ता हुआ घूम रहा था ठीक है खोखो में नौ होते हैं वॉलीबॉल वोल में कितने होते हैं वॉलीबॉल में कितने होते हैं जल्दी से बताओ वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं वॉलीबॉल में आपके सिक्स प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में आपके एयर प्लेयर्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नरगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन नरगु नाम की मैंने आपको याद कराया था आई आई हैव नेवर गो या नेवर गो नाम से कि मैं यहाँ पर कभी नहीं गई हूँ या मैं यहाँ पर कभी नहीं जाऊँगी लगता ऐसे है तो नरगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है मैं कहाँ पर नहीं गई हूँ तो करेक्ट आंसर क्या होगा हिमाचल प्रदेश जहाँ पर मैं कभी भी नहीं गई हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा नरगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है ठीक है मैं हिमाचल कभी नहीं गई हूँ तो नेवर गो नरगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन सी दो कंट्रियों के बीच में इंडिया एंड फ्रांस इंडिया एंड इंडोनेशिया इंडिया एंड रशिया या फिर इंडिया एंड सिंगापुर क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर देबाशीष सिंह इंडिया एंड सिंगापुर दीपक सिंह रशिया जितेंद्र सिंह डी हर्षिल सिंह डी कृष्ण लाल सिंह डी तन्मय सिंह इंडिया एंड इंडोनेशिया देखो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इंडिया एंड सिंगापुर अब कुछ लोगों को बोला लगा होगा कि सिम्बैक्स है लग तो सिंगापुर सा ही रहा है लेकिन इतना आसान थोड़ी बोलेंगे इतना आसान थोड़ी बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में यही है सिंगापुर एस आई सिम्बैक्स है तो ये क्या होगा इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में जो मिलिट्री इंडेक्स है वो कौन सा है मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सा है वो है आपका सिम्बैक्स नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैव बाय अबुल अबुल फजल फजल है इनमें से कौन सी किताबें लिखी हैं एन अकबरी अकबर नामा बोथ ऑफ देम या फिर ऑफ़ देम करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैजल बोथ देवाशीष ने आंसर किया है बोथ एंड दीपक सिंह दोनों दे बोध भाविन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बोथ ऑफ देम देखो मैंने इससे तुम्हें याद कराया था अबुल फजल अबुल फजल इसको फसाया किसने इसको फसाया अकबर ने अकबर ने अबुल को फसाया और उससे अपनी दोनों बुक लिखवा ली दोनों उसी के बारे में एक है एन ए अकबरी एक है एन अकबरी और दूसरी कौन सी है दूसरी है अकबर नामा ये दोनों अकबर ने फसाया किसको अबुल को और दोनों बुक अक एन एकबरी और अकबर नामा अबुल फजल से नेक्स्ट देखते हैं लाहो इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ लाहो किसका फेमस डांस फॉर्म है करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा मेघालय इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था लाहो और वांगला वांगला से याद करेंगे मांगला और क्या मांग के ला मेघ यानी कि बादल मांग के लाओ तो वांगला और लाहो दोनों कहाँ के डांस हैं दोनों डांस हैं मेघालय के अच्छा कर्नाटक के डांस मैंने तुम्हें कराए थे कान क्या सुन के थक गए कान मेरे क्या सुन के थक गए कान मेरे क्या सुन के थक गए याद आया यश का गाना यश का गाना सुन के मेरे कान थक गए तो कर्नाटका से था यक्ष तमिलनाडु तमिलनाडु में कावड़ी है वो पीना कोलाटा पी के पीना कोलाटा पी के ठीक है पीना कोलाटम ठीक है इसे पीना कोलाटम हो गया कावड़ी पीना कोलाटा ड्रिंक पी के अपना सारा गम सारा गम से क्या है याद रखना है कारा गम सारा गम भुला के और क्या करने लगा पूरे भारत के सामने नृत्य करने लगा पूरे भारत के सामने क्या करने लग गया नृत्य नि, करने लग गया अच्छा आंध्र प्रदेश आंधी से याद कराया था आंध्र प्रदेश में आंधी से याद कराया था क्या था आंध्र प्रदेश आंधी आई कैसी आंधी आई काली अट्टम काली आंधी आई काली अट्टम आंध्र प्रदेश से आंधी आई तो राजा रेड्डी जिसके लिए पूड़ियाँ बनवाई जा रही थी वो कुछ ही पूड़ी बची बाकी सारी आंधी में उड़ गई कूची पूड़ी ये किससे था ये भी आपका आंध्र प्रदेश से था ठीक है तो ये याद रहेगा नेक्स्ट देखते हैं मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ये मोहिनी है ये वो है जो कल कथा करवाने वाली है और कूद कूद के सबको बोल रही है कि आज कथा नहीं है कथा कल होगी कब कराएंगे कथा कल कराएंगे कथा कल कराएंगे कथा तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा केरला वाले ये केरला वाले बोलते हैं कि हम कथा कल कराएंगे तो कथा कली कथा कली केरला से और केरला वाले कौन हैं ये मोहिनी हैं जो केरला की हैं बोलती हैं कथा कल कराएंगे और कूद कूद के बोलती हैं तो कूदी अट्टम भी कहाँ का डांस है कूदी अट्टम भी डांस है आपका केरला का ठीक है वेस्ट बंगाल की औरतें बंगाल से नाम क्या याद रखना है बेंगल्स वेस्ट की औरतें बेंगल्स पहन के क्या करती हैं क्या करती हैं कीर्तन करती हैं और कीर्तन के साथ साथ जागरण भी करती हैं क्या करती है जागरण भी करती हैं तो जारदन ठीक है जारदन कीर्तन कीर्तन दोनों ये कहाँ के डांस हैं ये डांस है वेस्ट बंगाल के आंध्र प्रदेश का आपको पता है आंध्र प्रदेश का क्या था एक तो आपका आंध्र प्रदेश का था यहाँ पर का, आ, काली आंधियाई काली अट्टम और दूसरा कौन था था कुछ ही पुड़ी बची कुछ ही पूड़ी बची और बाकी सारी पूड़ी उड़ गई इसके लिए डांसेस के लिए फोक डांसेस के लिए आप मेरी प्रीवियस क्लास अभी कुछ दिन पहले ही कराई है मैंने फोक डांसेस की क्लास कराई है आप देख सकते हैं उसमें मेमोरी ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे से मैंने डांसेस कराए है। काफी हैं काफ़ी सारे डांसेस कवर किए हैं एंड मुझे लगता है आपको रिटेन हो जाएंगे कावड़ी इज रिलेटेड टू विच स्टेट कावड़ी किस राज्य से संबंधित है तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटका या फिर केरला करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बोला था कावड़ी नाम का बंदा है बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में गम है अपना सारा गम मिटाने के लिए यानी कि कारागम सारा गम मिटाने के लिए पीना कोलाटा यानी कि पीना कोलाटम पीना कोलाटा पी के सारे भारत के सामने नृत्य करता है यानी कि भारत नाट्यम ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु और पूरे भारत के सामने कौन से म्यूज़िक पे डांस करता है तमिल म्यूज़िक पे डांस करता है तो इसी से याद कराया था तमिलनाडु करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ए महाराष्ट्र से क्या कराया था दस अवतार भी ले लें दस अवतार भी ले लें तो भी ये लोग तमाशा यानी कि एंटरटेनमेंट करना बंद नहीं करेंगे ये लोग महान हैं तो कथा और कीर्तन साथ में कराते हैं ठीक है और बिना खाना खिलाए बिना खाना पानी खिलाए ये लोग लेजी हैं तो बोल देते हैं बिना खाना खा पानी पिलाए कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ तो गफा भी यहीं का डांस है कर्नाटका से हमने करा था किसके गाना सुन के हमारे कान थक जाते हैं यश का गाना सुन के हमारे कान थक जाते हैं केरला वाले बोलते हैं कथा कल करवाएंगे केरला की है मोहिनी 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 अट्टम हो गया मोहिनी अट्टम हो गया केरला की है मोहिनी वो कहती हैं कथा कल कराएंगे और कूद कूद के सबको बोलती है आज कथा नहीं है कल आना तो कूदी अट्टम भी कहाँ का है केरला का है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का टाइटल क्या है गोल हॉकी डेज हॉकी माई लाइफ मी एंड माई हॉकी करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा अगर एक बात बताओ तुम लोगों को मैराथन में इंटरेस्ट नहीं है तो मैराथन रहने देंगे हम मैराथन रहने देते हैं फिर हम मैराथन छोड़ देते हैं क्या प्रॉब्लम है अगर इतना ही इंटरेस्ट लेना है तो मैं आज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी कि सैटरडे को क्लास ऑफ कर देते हैं फिर क्योंकि इतने कम बच्चे आएंगे तो मैराथन लेने का फ़ायदा नहीं है ना मैराथन तो इसी लेते हैं ना थोड़े बच्चे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले लेकिन वही है ना मोटिवेशन वन साइडेड है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा गोल करेक्ट आंसर क्या होता है यही मोटिवेशन दिखा दिखा के तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी मैं कराती थी उसका सारा मेरा जुनून झाड़ दिया है मतलब थ्योरी अब मैं कराती नहीं हूँ बहुत कम थ्योरी कराती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थ्योरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता क्वेश्चन फिर भी कर लें उसके बाद भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी में कोई बच्चे खुद कहते हैं मैम क्वेश्चन कराओ ठीक है क्वेश्चन करा।, करा देते हैं फिर उससे कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होने ना सारे थ्योरी की तो ज़रूरत होती है इसीलिए फिर मैंने अब थ्योरी कम कर दिया बाकी तुमको जैसे चाहिए बता दो इनका टाइटल क्या है आत्मकथा का टाइटल का नाम है गोल्ड ठीक है क्योंकि आपको पता है मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं और 1936 में ओलंपिक्स के अंदर जब हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता तो कैप्टन कौन थे ओलंपिक्स में 1936 में गोल्ड मेडल जीता जब इंडियन हॉकी टीम ने तो हॉकी टीम के कैप्टन उस वक्त कौन थे मेजर ध्यानचंद थे हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे मेजर ध्यान चलते ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर इनमें से किस देश के अंदर है नॉर्थ कोरिया फिलीपींस चाइना या फिर जापान करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पर फिलीपींस बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर फिलीपींस होगा फिलीपींस में भी कौन सी जगह फिलिपींस में भी कौन सी जगह फिलिपींस में कौन सी जगह है बी फिलिपींस बिल्कुल सही मनीला ठीक है ऐसी जगह कौन सी जगह डेवलपमेंट कैसा होगा ऐसा डेवलपमेंट होगा वनीला आइसक्रीम खाके जो कहाँ मिलेगी आपको फिलिपींस में मिलेगी ऐसा डेवलपमेंट होगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है मनीला फिलिपींस में नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जिसको नया नाम मिला है न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है जापान साउथ अफ्रीका ब्राज़ील या फिर चाइना करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर देखो न्यूली डेवलप एक नया नया उभरता हुआ वायरस आया है नाम है जिसका कोविड नाइन्टीन करोना वायरस नोवल करोना वायरस तो ये नया नया कोरोना किसने डेवलप किया है ये नया वायरस किसने डेवलप किया है जिसने डेवलप किया है तो वहीं पे हेडक्वाटर है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा डी चाइना चाइना के अंदर है हेडक्वाटर न्यू डेवलपमेंट बैंक का और न्यू डेवलप्ड वायरस का नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वाटर ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का हेडक्वाटर कहाँ पर है बीजिंग चाइना पेरिस फ्रांस ब्रूजल्स बेल्जियम uh, या फिर वियना ऑस्ट्रिया करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर ब्रूजेल्स ब्रूजेल्स बिल्कुल सही करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है ब्रूजेल्स बेल्जियम में नाटो की जो ट्रीटी है मैंने आपको बताया था नाटो का हेड है उसका नाम क्या है जेन्स टोलेनबर्ग ठीक है तो स्टोलन बर्ग का काम है चोरी करना ठीक है स्टोलनबर्ग का नाम है चोरी करना स्टोलनबर्ग ने चोरी किसकी की जैन ने उसके हेड ने स्टोरी चोरी की नाटो की ट्रीटी की और ले जाके कहाँ छुपा दी ब्रूजल्स में ब्रूजल्स कहाँ पर बेल्जियम में ठीक है ब्रूजल्स में जाके छुपा दी क्योंकि उसको चॉकलेट खाने का बहुत शौक था और बेल्जियम में बहुत अच्छी चॉकलेट मिलती है तो ब्रूजल्स में जाके उसने अपनी ट्रीटी छुपा दी ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा सी ब्रूजल्स बेल्जियम नेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलायंस का पर है बीजिंग चाइना पेरिस फ्रांस गुरुग्राम इंडिया या फिर वियना ऑस्ट्रिया करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फटाफट बताओ यानी कि सौर ऊर्जा के लिए सौर गठबंधन है जो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है आंसर आ रहा है गुरुग्राम पेरिस एंड गुरुग्राम दोनों कैसे हो सकते हैं वर्षा दोनों कैसे हो सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा गुरुग्राम इंडिया में ठीक है कहां पर है गुरुग्राम में है मैं भी यहीं रहती हूँ ठीक है गुरुग्राम में है अच्छा ये बताओ एटॉमिक एनर्जी और कराया था जैसे सोलर है मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ये वाला क्वेश्चन कराया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बहुत अच्छे देवाशीष एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा वियना ऑस्ट्रिया वियना ऑस्ट्रिया पेरिस फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर बताया था पेरिस फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर बताया था मैंने पेरिस फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर बताया था फटाफट से आंसर करो जल्दी से आंसर करो गुड मॉर्निंग सोनू बहुत अच्छे ओ ई सी डी एन यूनेस्को इंडिया वर्षा इंडिया का नहीं कह रही हूं मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात चल रही है इंडियन सोलर अलायंस की बात नहीं चल रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में और हेड पता है कौन है इसके हेड हैं अजय माथुर हेड भी इनके हेड का नाम है अजय माथुर ठीक है तो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में ही है पेरिस में नहीं है पेरिस में हेडक्वाटर है, है आपका यूनेस्को का यूनेस्को का है यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हेरिटेज साइट वगैरह इंक्लूड करते हैं उनका और है ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट बीजिंग चाइना में किसका है न्यूली डेवलप्ड वायरस यानी कि न्यूली न्यू डेवलपमेंट बैंक का चाइना के अंदर है एस यानी कि शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है वो भी आपका है चाइना के अंदर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ बिम्सटेक इज लोकेटेड एट आपको बताना है बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर कहां पर है बेम्सटेक का हेडक्वार्टर कहां पर है बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ढाका बांग्लादेश अच्छा काठमांडू में किसका है काठमांडू में हेडक्वार्टर किसका है जल्दी से आंसर करो एक बार काठमांडू में हेडक्वार्टर किसका है फटाफट से आंसर करो काठमांडू में हेडक्वार्टर बहुत अच्छे बिल्कुल सही हर्षिल भावेन देबशीष एजे तन में करेक्ट आंसर क्या होगा सार्क अच्छा सार्क की फुल फॉर्म पता है किसी को सार्क की फुल फॉर्म पता है सार्क की फुल फॉर्म कोई नहीं मैं तो लिख ही देती हूं साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोरेशन इसका हेडकोर्टर है काठमांडू नेपाल के अंदर और बिम्सटेक का कहाँ पर है बिम्सटेक है आपका बे ऑफ बे ऑफ बंगाल इन मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इस टाइप से पूरा है ठीक है बिम्सटेक की ये फुल फॉर्म है और पेरिस में अभी ये करा था हमने यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में था ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट चाइना के लिए क्या था न्यू डेवलपमेंट बैंक ए डब्ल आई बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एस सी ओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेजेंट प्रेजिडेंट राष्ट्रपति कौन है गुड आफ्टरनून सुमित काफी जल्दी आ गए हैं आप करेक्ट आंसर क्या हो गए यहाँ पे हर्षित ने आंसर किया है देवाशीष ने आंसर किया है थॉमस एजे ने आंसर किया है थॉमस भाविन ए, ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जिसने भी मेरी कल वाली क्लास ली है ओलंपिक वाली उसको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है थॉमस बैच करेक्ट आंसर क्या है थॉमस बैच अभी जो करंट प्रेसिडेंट चल रहे हैं अभी करंट में जो ट्वेंटी ट्वेंटी का समर ओलंपिक्स हुआ है उसका वेन्यू का है कहां पर हुआ है समर ओलंपिक्स अभी दो हजार दो हजार बीस का जो समर ओलंपिक्स हुआ है कौन सी जगह पे हुआ है कौन सी कंट्री में हुआ है कौन सी कंट्री में हुआ है फटाफट बताओ बहुत अच्छे विवेक बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा टोक्यो में हुआ है होना था दो हजार बीस में हुआ है कब अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जाके हुआ है ये ठीक है बिल्कुल सही टोक्यो जापान करेक्ट आंसर है अगर मैं आपसे पूछूं दो का जो समर ओलंपिक्स हुआ था वो कब हुआ था 2016 का समर ओलंपिक्स हुआ था वो कब हुआ था कहाँ पर हुआ था मतलब कौन सी कंट्री में हुआ था फटाफट आंसर करो कौन सी कंट्री में हुआ था 2016 का समर ओलंपिक्स जीएस का क्लास सैटरडे को तो 11 बजे होता है ठीक है और मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे होता है आपका पाँच बजे फाइव पी शाम को पाँच बजे आपका क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे जी का ठीक है बहुत अच्छे तन्मय एकदम सही एजे एकदम सही भाविन बिल्कुल सही दीपक हर्षेल एकदम सही करेक्ट आंसर क्या है रियो द जनेरियो ठीक है जनेरो और कहाँ पर है ये ब्राज़ील के अंदर कौन सी कंट्री में है ब्राजील में है नेक्स्ट देखते हैं एक्यूवेर इन मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड ये एक्यूवेर इन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो ये किसके बीच में स्टार्ट हुई है किसके बीच में स्टार्ट हुई है एक्यूवेर इन नाम की ये मिलिट्री एक्सरसाइज जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर फटाफट आंसर करो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर देखो एक्यूवेरिन मैंने तुम्हें बोला एक ही ऐसी जगह है लॉकडाउन के बाद से जहां पर हर कोई अगर कहीं फॉरेन में जा रहे हैं तो एक ही जगह में दिखेगा सब लोगों के अभी रिसेंट में फ्लाइंग बीस्ट भी उधर गया था ठीक है फ्लाइंग बीस्ट और उसकी फैमिली भी उधर गई थी वेकेशन मनाने तो रिसेंट में अगर तुम देखोगे तो एक ही जगह है जहाँ पर एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई दिख रहा है जाता हुआ वेकेशन के लिए वो कौन सी जगह है मॉल ठीक है इतना ज़्यादा पिट चुकी है ये वेकेशन कि अब किसी का जाने का भी दिल नहीं करेगा करेक्ट आंसर क्या होगा इंडिया और मॉल के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ए क्यू वेरिन एक ही जगह जहाँ पर सबको वेरिन यानी कि वेकेशन बनानी है ठीक okay. सब है सबको वेकेशन बनानी है नेक्स्ट देखते हैं हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू जॉइन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहली ऐसी भारतीय महिला जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर ज्वाइन किया है शामिल हुई है आंसर बताओ क्या होगा अच्छा फ्लाइंग बीस्ट कौन है फ्लाइंग बीस्ट पता नहीं है एक यूट्यूबर है काफी बड़े यूट्यूबर हैं पायलट रह चुके हैं नाम है उनका गौरव तनेजा नीता अंबानी नीता भाभी अच्छा इतने बड़े हो गए तुम करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा नीता अंबानी का कल काफी बच्चों ने बोला था मैम नीलिमा घोष काफ़ी बच्चों ने बोला था मैम नीलिमा घोष नीलिमा घोष क्या थी नीलिमा घोष थी पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन इंडियन वुमेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और रेस में पार्टिसिपेट किया इन्होंने हीट रेस में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने हंड्रेड मीटर की रेस थी उसमें पार्टिसिपेट किया था नीलिमा घोष नाम था इनका नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एशियंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ये जो ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं ये खेले जाते थे एशियंट ग्रीस में यानी कि प्राचीन जो ग्रीस देश है उसमें खेले जाते थे कौन से ग्रीक गॉड के लिए कौन से ग्रीक भगवान के सम्मान में जियोअस यूरेनस अपोलो या फिर जुपिटर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा इधर बहुत अच्छे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा ज्यूस करेक्ट आंसर क्या होगा ये इनके जो ज्यूस भगवान है द गॉड ऑफ स्काई ठीक है और गॉड ऑफ ऑल ह्यूमंस उनको उनके उपलक्ष में ओलंपिक गेम्स खेले जाते थे अच्छा एक बात बताओ जब ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी होती है ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक गेम्स की तो ओपनिंग सेरेमनी में सबसे आगे कौन सी टीम चलती है सबसे आगे कौन सी टीम चलती है जहाँ होस्टिंग नेशन यानी कि जहाँ पर मेजबानी हो रही है या फिर ग्रीस की टीम चलती है या फिर जहाँ पर पहले ओलंपिक हुआ था उससे पहले बार उससे चार साल पहले जहाँ पे ओलंपिक हुआ था वो वाली टीम चलती है कौन सी चलती है बहुत अच्छे बिल्कुल सही कौन सी चलती है ग्रीक टीम चलती है हमेशा अगवाई करेगी ग्रीक टीम और एंड में कौन होगा एंड में वो टीम होगी जहाँ पर जैसे अभी जापान के अंदर हुए थे ओलंपिक्स जापान में हुए थे तो जापान की टीम लास्ट में चली होगी यानी कि होस्टिंग यानी कि होस्टिंग नेशन यानी कि मेज़बानी करने वाला राष्ट्र उसकी जो टीम है होस्टिंग नेशन की जो टीम है वो सबसे लास्ट में होगी और बीच में जो चलेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ठीक है किस क्रम में अल्फाबेट के क्रम में ए बी सी डी इस टाइप से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज ओलंपिक मोटो मीन इनका मतलब क्या है CTS, और का मतलब क्या है आपको बताना है गुड आफ्टरनून प्रवीण गुड आफ्टरनून करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा सी ये जो मोटो होता है इनका इसमें नाम जो लिखा है अच्छा ये बताओ ओलंपिक में एक तो इंग्लिश लैंग्वेज चलती है ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है इंग्लिश के बाद में जो लैंग्वेज ऑफिशियल है ओलंपिक में वो कौन सी है इंग्लिश के बाद में दूसरी जो लैंग्वेज ऑफिशियल है वो कौन सी है सेकेंड लैंग्वेज जो ऑफिशियल है वो कौन सी है जल्दी से आंसर करो बहुत अच्छे ए विवेक रितेश बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज दूसरी ऐसी वो है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सेकेंड लैंग्वेज है जो ऑफिशियल मानी जाती है ओलंपिक्स की ठीक है ये याद रखना ओलंपिक्स की नेक्स्ट देखते हैं इन विच ईयर डिड विमेन पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न ओलंपिक गेम पहली बार विमेन का पार्टिसिपेशन कब देखा गया पहली बार औरतों का पार्टिसिपेशन ओलंपिक में आ, उनकी भाग लेना जो हिस्सेदारी थी औरतों की वो कब देखी गई महिलाओं की हिस्सेदारी कब देखी गई 1900 पेरिस 1908 लंदन 1904 लंडन सेंट लुइस या फिर 1920 ट्वेंटी एंट करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे कुछ लोगों का करेक्ट है कुछ लोगों का गलत भी हो रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा सन उन्नीस पेरिस के अंदर पहली बार विमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया ठीक है अच्छा ये बताओ ओलंपिक जो कमेटी है ओलंपिक जो कमेटी है इसका हेडकुआटर कहाँ पर है ओलंपिक कमेटी का हेडक्वाटर कहाँ पर आपको बताना है हेडक्वाटर कहाँ पर है ये आपको बताना है जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट बताओ बहुत अच्छे देवाशीष एकदम सही गुड प्रवीण ठीक है आपका सही है देवाशीष का सही है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा लोसेन लोसैन स्विट्जरलैंड कहां पर है ये स्विट्जरलैंड में है अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हॉकी फेडरेशन का हेडक्वाटर है तो वो कहां पर होगा हॉकी फेडरेशन का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हॉकी संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है तो वो कहां पे होगा फटाफट बताओ वो भी यहीं पे होगा लोसैन स्विट्जरलैंड ये भी कहां पर होगा लोसैन स्विट्जरलैंड में ही होगा ठीक है सेम होगा फीफा का कहां पे है फीफा का हेडक्वाटर कहां पर है फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर होगा फीफा का हेडक्वार्टर पर होगा जल्दी से आंसर करो फीफा का कहां पर होगा बहुत अच्छे देवी बिल्कुल सही सूरज में होगा ठीक है करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन पहली फीमेल ओलंपिक चैंपियन कौन थी पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी हेलन जैक्सन शार्लेट कूपर या फिर एग्निस मार्टिन या फिर ल्यूस मार्टिन आपको बताने का करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा शार्लेट कूपर शार्लेट कूपर ये कौन से खेल से किस खेल से हैं ये स्पोर्ट्स कौन सा है कौन से खेल से हैं जल्दी से आंसर करो कौन से खेल से हैं ये करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा टेनिस टेनिस स्पोर्ट से ये बिलोंग करती है शार्लेट कूपर और ये कहाँ की है ये ब्रिटेन की हैं ब्रिटिश हैं ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं और ये बनी थी पहली फीमेल ओलंपिक चैम्पियन हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता साक्षी कर्णम मलेश्वरी गीता फोगाट या नन ऑफ these करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कर्णमलेश्वरी करेक्ट आंसर क्या होगा कर्णमलेश्वरी अच्छा ये बताओ कौन से सन में इन्होंने जीता इन विच ईयर एंड कौन सा मेडल जीता विच मेडल सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज कौन सा जल्दी से आंसर करो फटाफट आंसर करो कौन से ईयर में जीता इन्होंने बहुत अच्छे 2000, सन 2000 में कर्ण मलेश्वरी ने जीता कौन सा मेडल जीता बहुत अच्छे ए जे देबशीष तन्मय हर्षिल बिल्कुल सही कौन सा मेडल जीता ब्रॉन्ज जीता कौन से खेल से संबंधित हैं ये विच गेम कौन से खेल से संबंधित हैं किस खेल में जीता इन्होंने किस खेल में जीता इन्होंने जल्दी बताओ किस खेल में जीता बिल्कुल सही वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग एक बार एक हज़ार दस किलो उठाया और एक बार एक हज़ार तीस किलो एक हज़ार बोल रही हूँ एक बार एक सौ दस किलो उठाया और एक बार एक सौ तीस किलो उठाया उसमें इनको क्या मिला ब्रॉन्ज मेडल मिला गेम था वेट लिफ्टिंग ईयर था दो हज़ार और उसके बाद में कौन जीती थी उसके बाद में आपको पता है कौन जीते थे साक्षी जीती हैं साक्षी मलिक जीती हैं उसके बाद में जीती हैं पीवी सिंधु सिल्वर और अभी ब्रॉन्ज जीता है साक्षी ने ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में 2016 में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है पंद्रह मार्च अट्ठारह मार्च सोलह मार्च या फिर फोर्टीन ऑफ मार्च करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा प्रवीण मेरी हेल्थ अभी ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा जितने भी लोग बोल रहे हैं पंद्रह मार्च एकदम करेक्ट है आपका पंद्रह मार्च को बनाया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे कंज्यूमर राइट्स डे अच्छा एक चीज़ और बताओ सोलह मार्च को क्या मनाया जाता है सोलह मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है सोलह मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है फटाफट आंसर करो सोलह मार्च को ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कल रिकॉर्ड तय हुआ है कि एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का तो सोलह मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वेन वॉज क्रिकेट इंट्रोड्यूस्ड एज अ ओलंपिक स्पोर्ट सबसे पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक स्पोर्ट की तरह कब इंट्रोड्यूस किया गया था एटीन सेवन एटीन नाइनटी एट नाइनटीन हंड्रेड यान जीरो आंसर क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर इधर क्या होगा हेलो आकांक्षा कैसे हैं आप करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1877 ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा 1877 में पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक में एज अ स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है पच्चीस मार्च इक्कीस मार्च बीस मार्च या फिर बाईस मार्च करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे करेक्ट आंसर सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाईस मार्च करेक्ट आंसर क्या होगा बाईस मार्च नेक्स्ट देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नोमैडिक एलिफेंट नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में एक तो है इंडिया और दूसरा देश बताना है देखो इंडिया में एक ऐसा एलिफेंट था जो मैड हो गया ठीक है जो मैड हो गया कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा था इतना मैड हो गया था वो एलिफेंट तो इंडिया बड़ा परेशान था तो ऐसे में आता है मंगोलिया मंगोलिया ने क्या किया उस मैड एलिफेंट को ठीक करने की गोली दी और उसके बाद में वो एलिफेंट शांत हो गया तो जब भी आएगा नोमैडिक एलिफेंट तो आपको पता होगा कि एलिफेंट को मैड एलिफेंट को किसने गोली दी गोली दी मंगोलिया ने उसके बाद में वो ठीक हो गया तो जब भी आपको नोमैडिक एलिफेंट बोले तो आपको पता होगा ये किस किस के बीच में हुआ इंडियन एलिफेंट और मंगोलिया की गोली के बीच में हुआ ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा मंगोलिया नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक गेम आर नॉर्मली हेल्ड एवरी हाउ मैनी ईयर्स ओलंपिक गेम नॉर्मली कितने वर्षों में होता है दो साल चार साल साल या फिर आठ साल करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा कुछ लोग बोल रहे हैं पाँच साल सरकार नहीं है ये <laughs> सरकार नहीं है ये चार सालों में होता है लेकिन कैसे होता है देखो हर चार साल में एक बार आता है आपका समर ओलंपिक्स और हर चार साल बाद आता है एक बार विंटर ओलंपिक्स अगर 2016 में आया समर ओलंपिक्स तो समर ओलंपिक्स दोबारा कब आएगा 2020 में उसके बाद समर ओलंपिक्स कब आएगा 2024 में विंटर कब होता है विंटर होता है समर के दो साल बाद विंटर आता है विंटर ओलंपिक्स होगा समर ओलंपिक्स के दो हज़ार दो साल बाद यानी कि समर ओलंपिक आया अगर 2016 में तो विंटर ओलंपिक कब आएगा 2018 में विंटर ओलंपिक अगर 2018 में आया है तो दूसरा विंटर ओलंपिक कब आएगा चार साल बाद यानी कि 2022 में अभी जो विंटर ओलंपिक्स 2022 का 2022 का विंटर ओलंपिक्स होने वाला है विंटर ओलंपिक्स होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है कौन सी कंट्री में होने वाला है दो हजार बाईस का विंटर ओलंपिक्स कब होने वाला है एक हुआ था दो हजार में अब हो रहा है दो हजार बाईस में अब हो रहा है दो हजार बाईस में बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा बीजिंग चाइना अच्छा बीजिंग में इससे पहले और कौन सा ओलंपिक हो चुका है बीजिंग में इससे पहले एक ओलंपिक हो चुका है समर ओलंपिक भी हो चुका है जैसे अभी विंटर होने वाला है समर ओलंपिक हो चुका है बीजिंग के अंदर कौन से ईयर में हुआ था समर ओलंपिक बीजिंग के अंदर कौन से ईयर में हुआ था समर ओलंपिक बीजिंग के अंदर जल्दी से आंसर करो कौन से ईयर में हुआ था 2008 में कौन से ईयर में हुआ था 2008 में और 2022 में विंटर में विंटर वाले करेक्ट आंसर क्या होगा चार साल में होता है एक बार लेकिन समर और विंटर होते हैं अलग अलग टाइम पे चार साल में समर ओलंपिक आएगा चार साल बाद विंटर ओलंपिक लेकिन वैसे हर दो साल में ओलंपिक होता रहता है तो वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं दोनों ही आंसर करेक्ट है ठीक है टेक्निकल वे में अगर देखा जाए ओलंपिक गेम हर कितने साल में होते हैं तो दो साल में हो जाते हैं लेकिन कैसे होते हैं दो साल में समर होता है समर के दो साल बाद विंटर होता है और उसके दो साल बाद फिर से समर होता है तो समर ओलंपिक चार साल में आता है विंटर ओलंपिक चार साल में आता है लेकिन वैसे जर्नली दो साल में आता रहता है नेक्स्ट है शक्ति एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में इंडिया एंड फ्रांस जापान एंड इंडिया रशिया एंड इंडिया या फिर इंडिया एंड सिंगापुर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इंडिया फ्रांस इंडिया की एक्स थी जिसने डेजर्ट में जाकर रात में शादी कर ली डेस्टिनेशन वेडिंग कर ली धोखा देके किसको इंडिया को तो एक्स डेजर्ट नाइट की जो एक्सरसाइज है वो भी इंडिया और फ्रांस के बीच में है ये इसकी एक्स थी क्योंकि उसको इंडिया को पहले से ही शक था कि फ्रांस उसके साथ फेथफुल नहीं है तो शक्ति एक्सरसाइज भी किन के बीच में है इंडिया और फ्रांस के बीच में है इनके बीच में कौन आया किससे शादी की फ्रांस ने उसने शादी की वरुण ने तो वरुण एक्सरसाइज भी किन के बीच में हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई इंडिया को शक था कि शक थी कि फ्रांस उसके साथ वफादार नहीं है और उसने फ्रांस ने शादी कर ली वरुण के साथ कहाँ पर डेजर्ट में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग की रात में एक्स डेजर्ट नाइम की एक्सरसाइज भी इंडिया और फ्रांस के बीच में है वरुण एक्सरसाइज भी इंडिया और फ्रांस के बीच में है और शक्ति एक्सरसाइज भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है करेक्ट आंसर क्या होगा ए इंडिया एंड फ्रांस ठीक है नेक्स्ट क्या है विच कंट्री हाउस इज द एडलेड ओवल क्रिकेट ग्राउंड एडलेड ओवल क्रिकेट ग्राउंड है जो क्रिकेट का मैदान है कौन से देश में है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा क्या करेक्ट आंसर क्या होगा देवाशीष का आंसर है इंग्लैंड रितेश का आंसर है ऑस्ट्रेलिया दीपक का आंसर है ऑस्ट्रेलियन ओके तो काफी सारे अलग अलग हैप्पी बर्थडे विक्रम हैप्पी बर्थडे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है ये एडलेड एडलेड मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में ओवल समझ के मत फंस जाना पहले क्या है एडलेड ओवल है तो करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड आपको बताना है क्या ठीक है इंडिया और किसके बीच में फ्रांस जापान इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर देखो शक्ति है तो किसके बीच में है इंडिया और फ्रांस के बीच में है लेकिन फ्रांस का भाई कौन है गरुड़ वो किसके साथ रूढ़ है इंडिया के साथ क्योंकि वो वो फ्रांस का भाई है और वो भी इंडिया को पसंद नहीं करता ठीक है गरुड़ कौन गरुड़ उसका भाई है और करेक्ट आंसर क्या होगा इंडोनेशिया ठीक है फ्रांस का भाई है गरुड़ जिसका नाम है इंडोनेशिया वो किसके साथ रूढ़ है वो इंडिया के साथ रूढ़ है तो जब रूढ़ की बात आए तो क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया क्योंकि इसका नाम भी इंडो से शुरू होता है और इंडिया को भी इंडिया इंडो बोलते हैं तो ये इसलिए इंडिया के साथ में रूढ़ रहता है इंडोनेशिया तो कौन रूढ़ रहता है इंडिया के साथ में इंडोनेशिया ठीक है उसको पसंद नहीं उसके नाम जैसा ही कोई किसी दूसरे का नाम हो तो जब भी नाम होगा गरुड़ तो आंसर क्या होगा इंडो एंड इंडो इंडिया एंड इंडोनेशिया शक्ति एक्सरसाइज खाली शक्ति एक्सरसाइज होगा तो वो होगा इंडिया एंड फ्रांस के बीच में इंडिया एंड फ्रांस के बीच में अगर आएगा वरुण एक्सरसाइज वरुण एक्सरसाइज किसके बीच में होगी वरुण एक्सरसाइज होगी इंडिया और फ्रांस के बीच में इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर आपसे बोल दे एक्स डेजर्ट नाइट एक्स डेजर्ट नाइट तो ये भी किसके बीच में है ये भी है आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज ठीक है ये है मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए और वीकेंड पे क्विज होती है उनके लिए और ये मेरा इंस्टा है यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए सेशन होता है ओवर क्लास ओवर होने के बाद में ज़रूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा ठीक है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना शेयर ज़रूर कर देना और अब आपसे मिलती हूँ मैं मंडे को ठीक है सुबह ग्यारह बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ और पाँच बजे मंडे को मिलेंगे स्टैटिक जीके और जीके जीएस के क्वेश्चंस के साथ में पाँच बजे तो जुड़ना मत भूलेगा इतने अपना ध्यान रखें बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव नाइस डे गाइस थैंक यू सो मच क्लास